मेरा बेटा आदित्य भूपति, आज इसका जन्मदिन है, इसे आशीर्वाद दीजिए। बेटा, भगवान ने तुम्हें इनका बेटा बनाया, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जीते रहो। आज जितना आशीर्वाद चाहिए ले ले, क्योंकि कल आशीर्वाद लेने के लिए तो जिंदा नहीं बचेगा। अरे मिनिस्टर साहब का बेटा गिर गया, कोई बचाओ उसको। अरे बेटा ले, खा ले। बेटा खाने से नहीं रूठते बेटा, आपके बेटे के जाने के बाद से ये दिन रात रोए जा रहा भाई साहब। रो मत, आज से तुम मेरे बेटे आदित्य हो। तुम मुझे बेटा बनाओ बापू, और मैं तुम्हारी जायदाद का वारिस बनूंगा। ये शन विद्या तपोन दानम ज्ञान नशीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके मरगाश चरंती। इलेक्शन में भारी बहुमत से जीतने के बाद नेशनल पार्टी नई सरकार बनाने जा रही है। बस थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। आपको तो सीएम बनना चाहिए था। मुझे कुर्सी की कोई लालच नहीं। देखिए, 8 बार मंत्री और 4 बार एमएलए रह चुका हूं मैं। आवाम की सेवा करने में ही मुझे सुकून मिलता है। नमस्कार, बैठिए बैठिए। आपने क्या सोचा है? जीवन में बस दो ही इच्छाएं रह गई हैं। पहला आनंद ग्राम बसाना और दूसरा अपने बेटे को मिनिस्टर बनाना। ये आनंद ग्राम क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार, इन सारे प्रदेशों में मैं अनेकों अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम चला रहा हूं। बस यहां शुरू हो जाए। उन्हें रोटी और मकान तो दे दिया, पर खुशी और प्यार नहीं बांट पा रहा। पुरखों से मिली 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को बेच के 3,000 एकड़ की जमीन पर एक गांव बनाना चाहता हूं। अनाथाश्रम के सारे बच्चे और वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को उस गांव में शिफ्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं भी वहीं रहूंगा। अनाथों को माँ बाप का प्यार, जिन बुजुर्गों को औलादों का सम्मान नहीं मिला, मैं उन्हें वो सम्मान दूंगा। यही मेरा सपना है, इसी वजह से इस प्रोजेक्ट का नाम आनंद ग्राम है। अब ये बहुत जल्द पूरा होगा, आज मैं यही अनाउंस करने वाला हूं, और मेरा दूसरा सपना वो तो आज ही पूरा हो जाएगा। वो देखो, मैं आदित्य भूपति शपथ लेता हूं। मैं आदित्य भूपति ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत राज्य द्वारा बनाए गए संविधान का पूरी निष्ठा से पालन करूंगा। इस प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने राज्य के प्रति अपने सभी कर्तव्यों को श्रद्धा पूर्वक और पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। मैं भारत की अस्तित्वता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेता हूं। बिना किसी डर के, बिना लालच के, पक्षपात के बिना, धर्म निरपेक्ष रहकर, पूरी ईमानदारी के साथ, सांप्रदायिकता की भावनाओं से ऊपर उठकर इस राज्य की सेवा करूंगा। होम सेक्रेटरी, आईएएस, आपकी तारीफ आज तक किसी ने की ही नहीं, क्या बोलूं? शर्ट बड़े भाई का पहना है क्या? धोबी से एक दिन के लिए उधार पर लिया है। दिल में एक डर सा है कि इनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा या नहीं। यही डर तो बताता है कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो चुका है। आदित्य, आज मैं सचमुच बहुत खुश हूं, तुम मिनिस्टर बन गए और मैं लोगों को आनंद ग्राम का तोहफा देने जा रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चलना चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर, हमारी कॉलोनी में पूजा है, आशीर्वाद देके जाइए। अच्छे काम के लिए कभी मना नहीं करते बेटा, जाओ। जैसे आज्ञा पिताजी। नमस्ते। मंत्री जी,
पापा पापा छोड़ो मुझे पिताजी। अरे छोड़ दो मुझे, पिताजी के पास जाना है। छोड़ो, अरे छोड़ो पिताजी। ब्रेकिंग न्यूज, आज होम मिनिस्टर आदित्य भूपति की कार में बॉम्ब धमाका हुआ। इस आतंकी हमले में वो बाल बाल बचे, लेकिन उनके पिता पूर्व मंत्री आनंद भूपति का इस हमले में देहांत हो गया। पीछे पीछे पीछे, रास्ता दो, रास्ता छोड़ो, रास्ता। ए, पीछे, पीछे। बड़े भैया, आदित्य भूपति, आदित्य भूपति। अबे तेरी पिताजी को तुमने मारा है क्या? अनाथों को 10 पीस का नोट देते हैं, उन पर अपनी पूरी प्रॉपर्टी को लुटाता है पगले। अरे पर गाड़ी में मैं भी था, मैं उड़ जाता तो? ये बात किसी को बताई तो तू भी उड़ जाएगा। भैया भैया, मैं आपका छोटा भाई। भाई बहन हो या माँ बाप, सबको मरना है। भगवान आपको लंबी उम्र दे। सर, मुझे स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट किया गया है फ्रॉम एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। फिलहाल हालात को संभालो। ठीक है भैया। जी सर। आदित्य भूपति, एक रात गुजारने की बात क्या कही, तुम तो सीधे चले आए। फुट मसाज दे ना। फुट मसाज के लिए बैंकॉक जाना पड़ेगा। अली बैठकर खाली। कैसा था मसाज? तू नहीं सुधरेगा। मार ले, खोपड़े पे ठंडा पानी मार ले। डांडेकार चल ब्रश कर। गुड मॉर्निंग। नमस्कार जज साहब, आदाब वकील लोग। इस आदमी को जानते हो? चमक वही जो पियामन भाई। क्या बोल रही? भूली गयो, ही मेरा कलीगा है। पैदा होने के बाद पहली बार देख रहा हूँ। हम एक ही वार्ड में पैदा हुए थे। ये झूठ बोल रहा है सर। ये लोग बचपन से LKG साथ में ही जाते थे। भांग पिए क्या? चुप कर। तुम जरा शांत रहोगे? हाँ रवि तेजा, इसने हमेशा मेरा इस्तेमाल किया। हॉस्पिटल की वार्ड से लेके हॉस्टल की खाट तक ये अभागा मुझसे चिपकता आया है। क्या मैं चिपका? हाँ, लिपटा लिपटी। नहाते वक्त ये पीछे से आकर मेरी पीठ मसलता था। अबे ये मेरे फ्रेंड्स का तौलिया भी खींच चुका है। मैंने खुद देखा है। यही तो प्रॉब्लम है ना, ये रात को ना तेजस्विनी को छोड़ के तेजा के पास भाग जाता है। और इतना ही नहीं, हमारी शादी को ना 7 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी मम्मी नानी नहीं बनी। मतलब अभी तक कुछ हुआ नहीं। मेरा पासपोर्ट साइज फोटो इसके बटुए में है। इस पे तो दाग लगा है। दाग लगने से हर बार अच्छा नहीं होता है, बुरा हुआ है। पोछे पोछे पोछे। ये तो तुम हो। इसी वजह से मेरे को 2 लाख चाहिए। तुम्हें तलाक भी मिलेगा और 2 लाख भी। तूने इसका तलाक क्यों करवाया रे? शादी के पहले बोला दहेज नहीं चाहिए, शादी के बाद बोला कार चाहिए। हाँ बोलो बहना। मेरी जिंदगी बचा ली, थैंक्स।
हिंदुस्तानी लड़के को न्याय मिलना चाहिए। ये लो तुम्हारी फीस। गड्डी हल्की है, और नोट डाल। अरे नेक्स्ट टाइम बढ़ाता हूँ ना। बढ़ाता हूँ बोल के चार बच्चे हो गए, कब बढ़ाएगा पता नहीं। अले बेन, गुजरात जा स्टैचू देख के आ। ये किस लिए? मेरे को भाई बोली 9000 मेरी तरफ से, 1000 इन लोगों की तरफ से। रक्षाबंधन के दिन उंधियू बनाकर रखना, मैं थेपले लेकर आऊंगा। ओके आओ जो, ये तो चल तो। क्या है ये? ये बचपन से अनाथ है, इसलिए पूरी दुनिया को अपना परिवार समझता है। लोगों की मदद करके वो उनसे रिश्ते जोड़ लेता है। सच्चाई को जिताने के लिए झूठी गवाही देता है। लोगों को न्याय दिलवाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। विरार लोकल में नहीं बैठा। नरेंद्र भाई चार कटिंग मारो। हाँ तेजा भाई लेकर आता हूँ। कम शक्कर वाले। आज स्कूल बंक किया क्या? आज गुरु पूर्णिमा है। ओ। पैसे काय को? मैंने तुमसे उधार लिए थे। जैसे नाखून बढ़ते ना वैसे आजकल स्कूल की फीस बढ़ती है। सुषमा ताई पैसा बच्ची के फीस के लिए, इन्हें पीने मत देना। पीना छोड़ दिया है। जेब में रखो, रखो। ले लो रे बाबा, फीस भर देना। जा खारी टोसला। अइला डर गया मैं। टकले सिगरेट पिएगा? तेरा खून पीऊंगा। खून नहीं, सिगरेट पी। सिगरेट पी। आई सिगरेट पी। अम्मी। सिगरेट ने ली तेरी चुम्मी, तेरे मुंह से निकला अम्मी 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 अम्मी। लड़कियां शादी इसलिए नहीं करती कि तुम जैसे लालची दहेज के लिए उनका शोषण करो। जरा सा क्रोस हुआ और डिवोर्स हुआ। उपमा में मेरे माँ के हाथ का टेस्ट नहीं और चाय मेरी बहन की तरह बनाती नहीं है, इसलिए डिवोर्स देगा। लगता है तूने मेरा मर्डर फिक्स कर दिया है। चलता हूँ। होड़ डालो, होड़ आने वाला है। हेलो, वंदे मातरम सर, आईपीएस ऑफिसर सर। चल शुरू हो जा। बैच नंबर 420, बैच नंबर 911, एपीएस बीपीएस सीपीएस जीपीएस सर, बैच 67, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 2000 स्ट्रॉन्ग विद सोना सर। ऑफिसर अंडर पॉलिथिन कवर सर। लगता है पुलिस का गॉडफादर है। तो कल्टी सीटा मॉल मारना। ये सोलर पैनल चार्जिंग खत्म हो गई। चल तेरा सोलर पैनल ही रिपेयर कर देता हूँ। चल। ए रवि, अगर तू आईपीएस है तो मैं होम मिनिस्टर हूँ। भाग गए सब के सब। अरे क्या टाइम खोटी कर रहा है। आता हूँ आता हूँ। नंबर प्लेट नंबर। चल 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 भाई। ये कौन है मैन? ये चिरकुट लोग कौन है? मेरे लंगोटी यार। जीरो जरूरी है या हीरो? क्या नजर है, इन्हें पहचान लिया? मैं नहीं पहचान पाया। ये बच्चा पार्टी से तेरा क्या कनेक्शन है? सबसे बड़ा कनेक्शन दिल का होता है, तू नहीं समझेगा। दिल का कनेक्शन? ये मैदान में सब गुटखा खा के थूकेला था, अपन सुबह से आके इधर साफ किया, लेकिन तेरे को अकल नहीं की टाइम पे आने का। मैन ये है तेरा बेस्ट फ्रेंड? जब तेंदुलकर आया था तो कपिल के साथ खेला था ना। सचिन 16 कपिल 35, फिर भी जोड़ी जमाई, हमारी भी ऐसी जमी। बहुत तेज धूप है यार। पूरे नागपाड़ा में तुम्हारे से बड़ा नगीना कोई नहीं है। धूप में मेरी पूरी चर्बी पिघल गई। इसकी सजा तुमको जरूर मिलेगी। थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आओ। पापा को गुजरे एक महीना हो चुका है, पर अब भी ऐसा लगता है जैसे वो मेरे साथ है। पापा, आपके दिए संस्कारों की कसम, मैं आपके कातिल को बहुत बुरी मौत मारूंगा। आज से मैं अपने पूरे राज्य में सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा। हर 5 मीटर पर एक पुलिस वाला होगा। हर बिजली के खंभे पर 4 कैमरास लगाऊंगा। अभी के अभी ऑर्डर करो, और चाइना का माल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 5 लाख कैमरे और 30,000 पुलिस वालों की भर्ती जल्द से जल्द चाहिए। पापा, आपकी सौगंध है मुझे। बस बस बैठ जाइए बैठ जाइए। पापा मैं ऐसा क्या करूं कि आप मेरे पास वापस आ जाए? रो मत बेटा, चुप हो जा। पापा की याद आ रही है? अबे वो एक्टिंग थी। पापा के नाम से ही इलेक्शन जीतेंगे, पुलिस भर्ती के नाम पर कमाई करेंगे और मलाई खाएंगे। आपकी एक्टिंग देख के तो मैं भी धोखा खा जाता हूँ। इलेक्शन नहीं जीते तो फिल्मों में ट्राई करेंगे। आनंद भूपति एक महान हस्ती। रिपोर्ट तैयार करके रखी है। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, जल्दी बोल। सर, इस सरकारी जमीन पर मैं एक मॉल बनाऊंगा। प्रॉफिट में 80 मेरा, 20 आपका। कुछ एडवांस दूं क्या? मुझे रिश्वत देने की बात करता है, वो भी 20%।
एटी बोलता तो मान जाता। चल निकल यहां से। ए, ये क्या शोर हो रहा है? बंद करो दरवाजा। ओके सर। तू बोल। आप तो जानते हैं कि 10 एकड़ की जमीन खाली पड़ी है। अगर किसी तरह से ये सरकारी जमीन हमें मिल जाए तो हम वहाँ एक शानदार मल्टीप्लेक्स बनवाएंगे। प्रॉफिट में 90% शेयर आपका। ये मेरी रिक्वेस्ट है। डॉक्यूमेंट्स दिखा। मिनिस्टर बनने के बाद पहला नेक काम। थैंक यू सर। ए रवि तेजा। हाँ सकू भाई। तेरे लिए मांदेली रखी है। पार्सल कर देना, शाम को खाएंगे। मांदेली करी बनाना मेरे लिए। अरे मेरा उपवास है यार। चल काय भाव, काय चल रहा है? रवि मेरा पूरा मुंह काला हो गया रे। पहले से इतना काला था और कितना काला होगा रे। अरे मेरी अफगानी पापलेट चोरी हो गई। उसमें GPS नहीं लगा था क्या? केस ठोक डाल। ऑलरेडी ठोक चुका हूँ। कड़ा कौन सा? झींगा पापलेट चोरी का। पप्पू उस केकड़े का शिंपला बनाएंगे। हाँ लेकिन कोई गवाही नहीं दे रहा। मैं देगा। इसको बोलते हैं मर्द का बच्चा। मेरी तरफ से झींगा पार्टी। अगर जीते तो। अगर हार गए तो केकड़ा पार्टी भी चलेगी। चड्डी और जाली वाले बनियान में फुल टू गुंडा लग रहा है। बस मूछे ऊपर। कबड्डी खेल के दिखा। तो मुझे बताओ तुमने क्या देखा? शर्म से लाल लाल हो रहा हूँ। बाद में शर्माना, पहले बताओ। चौथी क्लास से ही मैं सनी लियोनी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। उसकी कोई भी पिक्चर मैं मोबाइल में नहीं थिएटर जाकर देखता हूँ। ये देखिए लेट नाइट का आखिरी शो। तो तुम अकेले गए थे? क्या आप होते तो ऐसी फिल्में फैमिली को दिखाते। ऐसी फिल्में तो अकेले कोपचे में देखनी चाहिए। हाँ ठीक है, आगे बताओ। अंधेरे में मैंने देखा कि 150 किलो का आदमी पापलेट की गुनी लेकर भाग रहा था सर। क्या तुम उसे पहचान पाओगे? आंख बंद करके। मुल्जिम को पेश किया जाए। हाँ कौन? ए ठोले, ये अनारकली कहाँ चली? यहाँ का फेमस भिखारी है। इस सुकड़े के लिए इतनी पुलिस क्यों? कमिश्नर साहब को देख रहे हो? ताड़ा थोड़ी चल रही, चल। उनका बीड़ी का बंडल चुरा लिया था। बीड़ी की वजह से बीड़ियाँ? कमिश्नर साहब पहले गुंडा थे। सर ये कौन? इन पर ही केस हुआ है। भाऊ केस वापस ले ले। उड़ता तीर लिया है, कहीं ना कहीं तो लगेगा। मैं तो गया। ज्यादा नहीं, बस 2 डंडे पड़ेंगे। बी पॉजिटिव। तेरे पॉजिटिव की तो सर ही इज वही। देखी बोलची, आंखें फाड़ के देखो। हम था बोलो ना। हम तुमको माछी चोर लगता है, बोल रहे। ये डरा रहा है हमका। पुलिस गिरी मत दिखाओ, तुम बिंदास बोलो। मच्छी मार्केट में कंबल ओढ़ कर आया था ये। गोल गोल घूमकर मछलियों का गोलमाल करके गोलम गोल हो गया। यही गोलू था। किसी और को देखा होगा रे बाबा। पूरे शहर में 150 किलो की एक ही बोरी है, यही है वो पापलेट चोर। तड़ी पार कर दीजिए इसे। हम काय को चुड़ाएगा? एक कॉल से समंदर का सारा मच्छी घोर आ जाएगा। फंसा भैसा दलदल में। फोन करके आर्मी से कहिए कि इसे बॉर्डर पर ले जाए। अरे हम काय को बॉर्डर पे जाएगा? परसों रात को क्या खाया? मच्छी भात। मच्छी कौन सी? पापलेट। अंकल फंस गया, पार्सल करावा। यस। आवेश में बह गया था सर। खरीद के लाया था मछी। उस दिन मछली ने जो मुर्गी खाई थी उसके पंख है और उसके पेट से निकली हुई मुर्गी की हड्डी। तुमने एनिमल राइट्स वालों को नाराज किया है। दफा 366 किडनैप, दफा 332 चोरी, दफा 3332 मर्डर। रवि तेजा चुप रहो। जज तुम नहीं मैं हूँ, मैं धाराएं लगाऊंगा। ओके महाराज, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? इस पे हमारा उंगली का निशान की तरह बोलो। इस पे तेरे दांत के निशान है। जुर्म साबित होने की सूरत में कोर्ट प्रताप पर 500 रुपए का जुर्माना लगाती है और आदेश देती है कि वो जिम ज्वाइन करें, अपनी तोंद घटाएं और फिर ड्यूटी ज्वाइन करें। खोला रे। खोला। ए मामा, बिना चिकन की बिरयानी खाएगा? कमिश्नर साहब बुला रहे हैं, चलो। काय को बुलाया? मोटा डंडा लेके बैठे हैं। तू चले जा यार। बी पॉजिटिव। मे आई कम इन सर? बचपन में चोर पुलिस खेलता था ना, तब भी हम कभी चोर नहीं बना, लेकिन बुढ़ापे में माछी चोर का थापा लग गया, मिस्ट्री दोई हो गया इज्जत का। कुछ ले देकर मामला सुलटाओ ना सर।
रिश्वत देगा हमको तू? आपको नहीं दूंगा, पान पट्टी पे रख दूंगा। एक कंप्लेन आया है, साइकिल काय को चुराया तुमने? काय को फंसा रहे हो साहब? मामो, एक खंबे के लिए तेरे साहब मुझ पर झूठा इल्जाम ठोक रहे हैं। इल्जाम नहीं, हम सच बोलता है। मैंने साइकिल नहीं चुराया। हाँ, हमने भी यही बोला था रे, हमने मच्छ नहीं चुराया। बदलापुर केस खत्म करेगा, चल निकाल 25,000। 25,000? इतने में शादी धूमधाम से कर लूं? तो कितना देने का औकात बोल। 50,000? अरे बोलो ना। 500 दूंगा। हाँ तो दे। ईएमआई में दे रहा क्या? दे उसको। उधर साइन मार। अभी स्टार तो बनने दीजिए। तुम्हारा ऑटोग्राफ नहीं ले रहा है। अगर कोई भी साइकिल चोरी हुआ तो उसका जिम्मेदार तुम होगा। साइन कर। ना करूं तो? 5 साल अंदर। जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था, करता हूँ। आजकल तड़ातड़ी अमीर बनने के लिए कोई कुछ भी करेगा। हाँ, हमारा बॉस चलेगा तो इनको जेल में डाल के इसको भी कहाँ पढ़ना आता होगा, डिजाइन बना देता हूँ। दौड़ का पूजा कितना भालो हुआ। बहुत भालो। तो कोटे से आएगी सिफारिश से? ए, शाइन करता है कि हावड़ा ब्रिज बनाता है। यहाँ अनपढ़ चोर लोग अंगूठा लगाता है, तू भी अंगूठा मार। गुड आइडिया। ये तो मंत्री लोग भी करते हैं। ये अंगूठा की पंचिंग मशीन है। अरे बाबा, फाइल में खड्डा करेगा क्या? पास करो। चलो आप। ये ब्रेक डांस काय को करता है? हुजूर, मैं हाइट वेट में आपसे बड़ा, ओहदे में बड़ा, और घूसखोरी में तो रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ। ये पुलिस का कीड़ा किधर से घुसा? आपके अंदर से निकलकर मुझ में घुस गए। आपके बड़े पेट की बलाई ले लूं? उरी बाबा, एक नहीं दो ठेलो। सर, आप मेरी पकड़ में नहीं आ रहे। आप दोनों टाइम माछी भात जो खाता है। किसी जन्म में आपको मेरे ससुर बनने का योग प्राप्त हो, आयुष्मान हो। हम लड़की को कुएं में ढकेल देगा, लेकिन तुमसे शादी नहीं करेगा। अरे दादा, ये क्या चुभ रहा है? पर स्लिम कैसे हो गया? 5,000 टाका किधर और गया? रिश्वत का पैसा नहीं टिकता। कॉफी लेंगे सर? नहीं चाहिए। जब तक तेजा से बदला नहीं लेगा, कॉफी नहीं पिएगा, चाय पिएगा। Excuse me, sir. जरा ये फुटेज देखिए। कनेक्ट करो। कौन है ये? पूना गोवा गुजरात में ब्लास्ट करवाने वाला टेररिस्ट। इसका नाम अनवर है। क्या किया इसने? पहले आप इस फुटेज को देखिए। ओह माय गॉड, क्या है ये? यस सर, आनंद भूपति को होम मिनिस्टर ने ही मारा है। इसके बारे में किसी और को बताया? नहीं सर। बताना भी मत, वरना वो हमें भी मार डालेगा। ये फुटेज मेरे पास छोड़ दो, और तुम एक हफ्ते के लिए लीव पर चली जाओ। जब तक मैं तुम्हें फोन न करूं, तुम यहाँ नहीं आओगी। ओके सर। भैया, पिताजी का कातिल होम मिनिस्टर आदित्य भूपति है। ये क्या बात कर रही है तू? मैं सच बोल रही हूँ भैया, मैंने खुद बॉम्ब ब्लास्ट वाले दिन के फुटेज देखे हैं। मेरे पास इस बात का सबूत भी है। अभी कहाँ है तू? मैं बस ऑफिस से। कौतुमी, क्या हुआ? कहाँ है तू? जवाब दे। गौतमी, क्या हुआ? गौतमी, कुछ बोलती क्यों नहीं? मेरी बात का जवाब दे। कौन है वो लोग? हेलो हेलो
I'll take care of your sister. एक काम करो, फौरन मुंबई आ जाओ. Okay. सर, वो ऊपर पहुंच गई है. तो मेरा इनाम सर. दस सेकंड की वीडियो के लिए 10 करोड़. पैसे की वैल्यू कितनी गिर गई है. मेरे अकाउंट से 2.5 रुपया क्यों काटा? क्या रे ठुल्ले, आते आते दूध ले आता. हेलो, पुलिस स्टेशन में गायब बंदी है. कोई को बुलाया? अब धूप से विटामिन डी की चोरी का इल्जाम लगाएगा या पॉल्यूशन वाली हवा चुराने का? नहीं आ रहा हूँ बोल दे. तुम नहीं आओगे तो पूरे आर्मी फोर्स को भेजेंगे. कड़के 10-10 का कड़क नोट देता हूँ. बोलो मैं कराची में हूँ. तुम्हें लाने के लिए 20-20 का 2 नोट दिए. हाँ, दोनों को कल की फ्रेश चाय पिलाई जाए. कमिश्नर साहब के घर जा रहे हो क्या? सीपी चिकनी चमेली नहीं है? उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहूं. पहली बार मुश्किल से 2000 रुपए जमा किए थे, वो भी ट्रेन की टिकट में खर्चे हो गए. कब तक मदद करते रहेगा लोगों की तू? दूसरों की मदद करने से वही मदद अपने पास अच्छे रूप में वापस आती है. मदद इज लाइक बाउंसिंग बॉल. टेनिस देखता है ना, एक प्लेयर इधर से मारता है, दूसरा उधर से, और फिर गेम फिनिश. इसको मदद ही बोलेंगे ना. जब हम खाना खाते हैं तो हम थोड़ी ना खाते हैं, हम पेट में डालकर पेट की मदद करते हैं. इसलिए कभी मदद को मना मत करना. अब चाहे खुद को क्यों ना बेचना पड़े पर किसी हीरोइन के बगल में ऐसा है ना, इधर मीटू लग गया ना तो सीधा गोली लगेगी. सॉरी. जानता है ये कौन है? ये जानता है मैं कौन हूँ? ये आईपीएस ऑफिसर है. सॉरी सॉरी सर, जबरदस्ती आपकी ऑयलिंग हो गई. जूता साफ कर देता हूँ सर. सॉरी 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 सर, गलती से लग गया. वो बहुत दिन से हाथ साफ नहीं किया था. सॉरी सर, तू वो असली वाले आईपीएस ऑफिसर है, तेरे को अंदर डालेंगे तो पता नहीं चलेगा कब बाहर निकलेगा तू. चल 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 चल. सॉरी सर. ए ड्राइवर, आज तक ब्रेक नहीं मार सकता क्या? ये सिग्नल का बल्ब फ्यूज नहीं होता है क्या? क्या कमाल का है इसका बड़ा झुमका, कब लगाएगी ये मेरे साथ ठुमका? काय झाला? मला प्रेम झाला. ऐलो, मुंबई की हवा लगता है इसको प्यार हो गया. पहली बार लग रहा है कि आज सिग्नल खुले ही नहीं. फर्स्ट टाइम लाइफ में कोपचे में वीरान पड़ा हुआ दिल फुदक कर अंगड़ाई लेकर मचल रहा है. ओहो. बीवी, लाल दुपट्टा, प्रदूषण में भी स्वच्छता की देवी, आई लव यू. जवाब नहीं दिया. जल्दी जल्दी ऑटो भगा. चल चल चल, चारों गियर एक साथ लगा. लेकिन भाई मैंने 3 गियर किए. भगा भगा, तू तो तेज भगा. वो है लेकर उस पैनल से मेरा बिल करा दो. जल्दी भगा, जल्दी भगा, जल्दी टकले. तेरी मार की अरे दिखाई नहीं दिया क्या? डर के मैंने आंखें बंद कर ली थी. अभी सांसें बंद हो जाती तो बाइक रिपेयर करने चलते हैं. अबे टकलिया, भाड़ खाओ, नीचे उतर उतर. तेरी ए ऑटो ड्राइवर से कैसे बात करते हैं पता नहीं है क्या? देख क्या किया तूने? क्या किया? नंबर प्लेट और बैक लाइट नहीं लगवा लेना, मना किसने किया? अरे बेचारी स्कूटी घायल हो गई. देखो क्या कर दिया. तू ये वाली रख ले और मुझे नई दिला दे. सिर्फ 150 रुपए में सब ठीक हो जाएगा. 150 में 300 बस. ये ऑटो कुछ ज्यादा दिमाग पे जा रहा है. अबे तेरे खटारे को पुलिस स्टेशन लेके जा रही हूँ. 4 दिन देती हूँ, नई लाना और ये ले जाना, समझा? गया? भाड़ा मिले तो बैठा लेना. किराया तो देके जा. जल्दी मार. किधर है? छोटे आदमी को थका रहे तुम लोग, पाप लगेगा. मैडम क्या हुआ बे? मुझ पे लाइन मार रहा है. रुक, देखो ओवरटेक करती हूँ. Thank you.
हाँ यही है गरीबों का सारा नाला सोपारा। उस लुखे से एड्रेस पूछ। भाई ये एड्रेस बताना जरा। अरे बताना ये एड्रेस। ये मुंबई में कोई एड्रेस नहीं पता था। सामने बोलते है। सामने ये पबजी बाद में खेल चल। घर लेते समय बकरी की तरह मैं करते और किराए देते समय शेर की तरह धाड़ते है। ए, मेरे रास्ते में साड़ी किसने डाली? सुखाने के लिए डाली। अच्छा ले हमेशा के लिए सुखा दिया। अबे चप्पल ब्रांडेड पहनते और भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं। सर दोस्तों में इज्जत है, चिल्लाओ मत ना। सांस लेने की औकात नहीं और लोगों को खाना खिला रहा है। लुंगी में कॉकरोच छोड़ूंगा। एक चड्डी डोसा बना रहे हैं। सर कोर्ट में केस लड़ने जाना है, चड्डी गीली है, सुखा रहा हूँ। एक ही चड्डी है क्या? केस जीत गया तो अगले महीने चार ले लूंगा। पैंट बेच के खरीद ले। पैंट में भी होल है सर। अरे ये तो भोकुड़ बकरे की तरह खा रहा है। अबे बीच में सांस भी ले ले। गलत जगह अटक गया ना तो ऑपरेशन करके निकलवाना पड़ेगा। अबे घूर क्या रहा है? एक दूंगा रेसबेरी भाड़ा नहीं, नहीं सर। तेरी तो तेरी 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 नाला सुपारा का भाई हूँ मैं। ये हैदराबाद का है। कर नाला सुपारा के प्लेटफॉर्म पे मेरा नींबू पानी बिकता है, बता दे उसे। यहाँ ज्यादा होशियारी की तो नींबू पानी निकाल दूंगा। अरे तो इडली के बाद दो ग्लास भेजो, नमक कम शक्कर ज्यादा। मेरी माँ ने बनाया है, बोलती है तू खाएगा पिएगा तभी तो गुंडों को पकड़ पाएगा। बचपन से ही मेरा पुलिस बनने का सपना था। गांव से मैं कल ही आया और पर्स चोरी हो गई, सिर्फ 20 रुपए थे इसलिए इडली ले लिया। दो इडली में हो जाएगा? ये इडली विडली छोड़, ये ले ये खा, देसी घी से बनाए। तू भी ले यार। सर पुलिस सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट। क्या मेरिट लिस्ट? सर टेबल पर रख दे। तू अपनी लिस्ट निकाल। सर पक्या को अंदर बुला। ये पक्या। सलाम भाई, बॉडी में जान है, पुलिस बनने का अरमान है। सीआई बनना है या आईपीएस? आईपीएस भी चलेगा आप उनका। लेकिन इसके पास डिग्री कहाँ है सर? आप उनके पास पैसा है। एक काम करो, इसके नाम से बिलासपुर यूनिवर्सिटी से जाली सर्टिफिकेट बना लो। ठीक है सर। 25 लाख लगेगा। परवाह नहीं। पोस्टिंग कहाँ चाहिए तुझे? बोले तो जिधर ज्यादा माल मिले उधर। उसका 25 लाख एक्स्ट्रा। कोई वादा नहीं। सही है, ऐसे बनते हैं पुलिस। ये फाइल जला दे। वर्दी में मिलता हूँ भाई। ठीक है ठीक है। जलाने का काम मैं कर देता हूँ, मुझे दो। कह देना कि शॉर्ट सर्किट में जल गई और जला देना। लो पकड़ो, आ रहा हूँ भाई। यार रवि तू झूठ इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल लेता है? व्हाट्सएप पे अपन ने स्टेटस पढ़ा है, अगर झूठ भी बोलो ना तो फुल टू कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस की ओवर कॉन्फिडेंस। मैं केस लड़के आता हूँ, तुम लोग लड़ाई मत करना। खिसक ना मैन, चल। और खिसक खिसक। थक गया रे बापू। आहा क्या बिल्टअप है। जैसे काम वाली चाय का ट्रे लाती है वैसा ही लग रहा है ना। बीच में चाय की केतली है और आजू बाजू कप सासर। बेटा बोला बड़े बाबा। तुम्हें नहीं, अपने बेटे को बुलाया है। शायद उसने सुना नहीं, मेरे को बोलिए क्या मांगता। टाइम क्या हुआ है? ए, 5 बजकर। तय कोर्ट क्यों आ रहे? अगर कोर्ट ना आऊं तो फिर कहां जाऊं मैं? पुलिस तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखने को तैयार ही नहीं है। कोर्ट का सहारा ना मिला तो जीते जी मर जाएंगे हम लोग। तो जी का भी क्या करेगा? हमारे देश की परंपरा है कि बुजुर्गों के चरण दबाते हैं, गला नहीं। गुंडों से हार गया तो रवि दे जाए रही। बी पॉजिटिव। गला दबाएगा? ए ए चलो चलो निकलो। नहीं हो सकता। मधु यादव दूसरा कॉल। कॉल पे बिजी है सर। लास्ट बार बोल रहा हूँ मधु यादव। कॉल ड्रॉप सर।
अगर तुम जैसी औलाद मिले तो न पुलिस स्टेशन की जरूरत पड़े और न ही कोर्ट की। तुम तो वाकई मेरे बेटे से बढ़कर हो। सरकारी दफ्तर से लेकर सुलभ शौचालय तक लूट मची हुई है बेटा, तुझे ही कुछ करना होगा। ए, नहीं नहीं, सीनियर सिटीजन की बात सुन के अच्छाई की बीन मत बजाने लग जाना। चुप कर गांडा, बी पॉजिटिव। भैया अगर देश का नौजवान आप जैसा हो जाए तो कोई लड़की बेसहारा नहीं रहेगी। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम हमारे अपने हो। उसने बोला लाइक भेज, मैंने दिया एक चमाट खींच के। भाव, तुमसे मिलने बुड्ढा पार्टी आई लिए। नमस्कार बेटा। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपने बेटे जैसा समझा है इसलिए मदद मांगने आए हैं। बाप बेटे से मदद नहीं मांगा करते, ऑर्डर करो। रिटायरमेंट से मिले पैसों को हमने हाउसिंग स्कीम में लगाया, लेकिन वो घर की बजाय वहाँ मॉल बना रहे हैं। बैंक मैनेजर हमें पैसे नहीं दे रहा। पुलिस हमारा केस रजिस्टर ही नहीं कर रही है बाबू। बिल्डर हमें कोर्ट जाने से रोकता है। इस उम्र में कहाँ जाएंगे बेटा, ना पैसे बचे हैं ना ही रहने को घर है। तुम ही हमारी मदद कर सकते हो बेटा। रख लो बेटा। कहाँ से लाए? मेरी पेंशन के पैसे हैं बेटा। ये बहुत कम है। बेटा, मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। हाँ बेटा। वो रहा ब्लू शर्ट में। ए, भगाओ इन्हें। ए, एक ये क्या दादा गिरी है? उठ, तेरी नाक से भी रास्पबेरी निकालूं क्या रे? बीवी से मिलता है तब कैसे हंसता है? पड़ोसन से? ऐसे ही हंस के दे, दे। ये इतने सारे बुड्ढे बैंक में क्या कर रहे हैं बे? अपने माँ बाप से भी ऐसे ही बात करता है? मर्जी स्कूल नहीं गया? तमीज सीख, तमीज सीख। जब पहले दिन माँ बाप तेरा हाथ पकड़कर नर्सरी ले गए तब तूने दुनिया देखी, अब उन्हें कंधे पर बिठाकर तीर्थ यात्रा करवा। माँ बाप के चरणों में ही जन्नत है। ए मैनेजर। हाँ हाँ रवि भाई। आउटगोइंग चालू रख, हाथ रुका तो तेरी धड़कन रुकेगी। शुक्रिया बेटा। भाई सबको दे दिया। कंफर्म? गुड बॉय। खुश ना? ऑल हैप्पीज। बेटा हमारी मानो तो कुछ पैसे तुम भी रख लो। मैं आप लोगों से डायरेक्ट पैसे नहीं ले सकता, वो दिन दूर नहीं जब मेरी शादी होगी। अभी रख लीजिए, लिफाफे में देना। ठीक है, तेरा व्हाट्सएप रात को 4 बार देखा। तुमको साहब बुला रहे हैं, चलो। साहब बुला रहे हैं, डसेंगे तो नहीं? बोला साहेब। अरे तुमको साहब बुला रहे हैं, चलो। साहब मतलब कमिश्नर? नहीं, DSP? नो नो। DIG? अरे नहीं बाबा। 3G? नहीं ना। 4G? अरे नहीं रे। यूगो जी, होम मिनिस्टर ने बुलाया, चलो। मिनिस्टर? हाँ। नमस्ते सर, आधा वर्ष है। मेरे भाई पे हाथ उठाया, दुनिया से उठा दूंगा। Oh God. मैं तो गुजरात वापस जाता हूँ।
चलो मंडली। ए रवि, क्या हुआ? क्या बोला तू उसको? कुछ नहीं। अरे उंगली दिखा दिखा के धमकी दे रहा था। मैं काय को दूंगा? तो उसके सामने पतंग क्यों उड़ाया? ओ डायलॉग सुने नहीं तो एंट्री से शुरू करते हैं। नमस्ते जी। आधा वर्ष मेरे भाई को मारा तूने, तू तो गया। मन न पता होता कि ये दाढ़ी वालों थारो भाई है तो ये मुंडी थारी होती। पूरा शहर थारे कदमों की धूल चाटे हैं और थारे भाई को मैं धूल चटाऊं? आपने ऐसा सोचा कैसे? सबके लिए थारा रुतबा होम मिनिस्टर का हुए और माचा साठी नाई तुसी मेरे रोल मॉडल, मेरे अन्नदाता। थारी फोटो लोग पिछू की जेब में रखते हैं लेकिन मैं बाईपास की जगह रखता हूँ। देखेगा देखेगा देखेगा। अगर दोबारा मुझ पर शक किया तो सर धड़ से अलग होगा। भाई को समझा दे, समझाऊं डाक? हमें तमाकी भालोवाशी वो प्रेम करूं जो तने। ए तू भी इसे प्रेम कर। दोबारा मुझ पर शक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज ओके प्लीज प्लीज प्लीज। एक्सप्रेशन बदल लो। ये लोग समझ गए तो? तुम जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाए तो जाहिल नेता की अनपढ़ पब्लिक कहाँ समझेगी? जरा उनके रिएक्शन तो देखो। पब्लिक अफवाह फैलाएगी। एक बंदा आया और होम मिनिस्टर को वार्निंग देकर चला गया। अफवाह का काला धुआं सबकी नाक में घुस जाएगा। उससे होगा क्या? लोगों के फेफड़ों में हमारे नाम से डर की खांसी होगी। सेल्फ मार्केटिंग धंधा मन नो कॉम्प्रो। इसकी लैंग्वेज से इसकी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं कर रही। लगता है बचपन में चोट लगने से पागल हो गया। अगर होम मिनिस्टर को पता चल गया कि तू उसकी फिर के ले रहा था तो वो तुझे पूरे शहर में फिरा फिरा के मारेगा। अरे 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 मेरी अर्धांगिनी। अरे स्कूटर तेरे से फास्ट जा रही है, जल्दी चल। धोबन या तो स्त्री वाली है। मुझे लगता है हॉस्पिटल में पोछा मारने जा रही है। अबे तेरी खाला के हाथ में आला है, डॉक्टर है। बाय। हाय हाय हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ यार। विटामिन डी ले रही हो? कुछ भी बोल रही है यार। ये देखो तुम्हारी मम्मी ने ये पिक्चर भेजी है तुम्हारे होने वाले वो। ओहो स्मार्ट है, स्टाइल है, डॉक्टर भी है। मुझे आज के आज डॉक्टर बनना है। टांडे कर एडमिशन का फॉर्म भर दिया। क्या? क्या ये इसकी खुद की मर्सिडीज है और क्या? जाने तो सीट खुल हो जाएगी। ऑफर एक्सेप्ट किया कि नहीं? अभी तक सोचा नहीं। अगर नहीं किया होगा ना तो मुझे बोल देना, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। चल। चलो चलो लेक्चर का टाइम हो गया। ओके चलो बाय बाय। इधर आ, वो मर्सिडीज वाला तुझे इतना पसंद आया क्या? चीची, वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी। मेरी पसंद कुछ हटके है। ऊपर के दो बटन खुले, जिगर और बाजू में दम हो और किसको पंच मारे ना तो उसका पंचनामा हो जाए। तो उसकी तारीफ क्यों की? आंटी ने कहा उसे कन्विंस करो। हाँ। श्वेता को भनक भी नहीं लगी और आंटी का काम भी हो गया। नागपाड़ा पे खुद का क्लिनिक खोलूंगा। एडमिशन करो, होल क्लास में जाओ। देखो ये चढ़िया लोग मेरे को सीट के लिए मार रहे हैं। टिकड़ा टिकड़ा पापा। एक और पापा, इससे बड़ा परिवार तो सहारा परिवार का नहीं होगा। डियर पापा सीट नहीं चाहिए, कोट पहन के कैंपस में घूम सकूं। आप परमिशन आपो। जैसा घूमना है घूम टिकड़ा। देखा मैं कंपाउंडर की तरह कोट पहन के घूमने नहीं वाला। पैंट भी पहननी पड़ेगी। अरे पैंट कोट तो पहन लेगा, बाद में उसे रिक्शा में घुमाएगा क्या? मर्सिडीज लेकर आ जाऊं तो? एक नंबर। बाजू 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 खसो। कॉलेज कैसे होने वाला है? मेरा पेशेंट ना पीसीयू में है। ओह माय गॉड। सेक्रेटरी? यस डॉक्टर। एक डॉक्टर का कोट है। थैंक यू डॉक्टर मेट्रोपोलिस। ये कोट इसके थोबड़े पे सूट नहीं कर रहा। ये डॉक्टर कोट व्हाइट ही होता है ना? लाल कलर रहेंगे। यू नीड एनी इंजेक्शन?
डॉक्टर डॉक्टर प्लीज फिर से पढ़िए ना प्लीज। पढ़ लिया ना, कितनी बार पढ़ूं मैं? मेरी जिंदगी का सवाल है डॉक्टर। ए रोना बंद, क्या प्रॉब्लम है? मेरे को एचआईवी पॉजिटिव हो गया है डॉक्टर। अरे पॉजिटिव है तो रोता क्यों है? बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। एक्सक्यूज मी, लास्ट ईयर वो मिस इंडिया आप ही थी ना? हंसी तो फंसी। तुम्हारा पेशेंट कहाँ है? वो पेशेंट किधर गया? कहाँ किधर किधर किधर? तो जाओ ट्रीट करो। हड्डी जोड़ने के बाद 5 साल की वारंटी भी देता है अपन। चाल चल देखा। यो तो वो जो पेशेंट मत कर बे। ओके बीबी, आई सी, आई लाइक फाइटिंग गर्ल्स। किसको बोलो ट्रीटमेंट करने, किसको बोलो इसको उसको? चल इसका ट्रीटमेंट कर। किसका? पहला तोड़ो पची जोड़ो। मिर्गी का अटैक, जिंदा रहना है तो एक्टिंग कम कर। ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं? मुंह से बदबू आ रही थी। ऐसे पेन ठीक होगा? उसका पेन मेरी देन है। पेशेंट को बहुत पेन हो रहा है, पूरी तरह से बांध दो। अरे वाह, पिरामिड वाली मम्मी लग रही है। चुप, वरना शादी से पहले तलाक हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरी गलती है। बाल मत काट देना। अबे चुप बे, दबा हो जा। बहुत अच्छा काटती हो, टेलर हो क्या? छपरी कहीं। ऐसा लग रहा है जैसे चूजा अंडे से बाहर निकला। मम्मी डॉक्टर, मैं ठीक हो लिया। डॉक्टर तुमने तोड़ा भी जबरदस्त, जोड़ा भी जबरदस्त। रे मैं ठीक हो लिया, रे डॉक्टर जबरदस्त है रे। ठीक है, डॉक्टर के हाथ में जादू है। डॉक्टर नहीं, जादूगर है, जादूगर। बहुत जल्दी डीन बनेगा। ये कैसा इलाज था? लेजर, टीजर, ब्रीजर, ट्रीटमेंट, आज ही सीखा। कम ऑन सेक्रेटरीज, ये डॉक्टर है नहीं। अरे कुछ प्रॉब्लम हो गई लिए? रुक 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 रुक, गाड़ी रोक। एक्सक्यूज मी, बाजू बाजू हटो हटो। अरे ये तो नाला सोपारा का है। अरे मौसी का झालं? अयो इधर काड़े काड़े गिर गया। ए बंद कर बंद कर, हेल्प करने के बजाय वीडियो बना रहा है। चल निकल। आइए चाचा आइए, संभल कर। आप कहां जा रहे थे चाचा? मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि उसे खून की कमी है, इसलिए मैं ये सेब खरीदने यहाँ चला आया था। इतनी दूर क्यों? अपने एरिया में नहीं मिलता क्या? अपने यहाँ 50 रुपए में एक सेब है, जबकि यहाँ पर 2 सेब मिलते हैं। तुम्हारे बेटे और बहू साथ नहीं रहते? रहते हैं बेटा। ए जी, आप कहाँ चले गए थे? चक्कर आ गया। सुबह से कहाँ थे? आपको लेके इन्हें कितनी चिंता हो रही थी। बाप के बनाए घर में कोई है? सब लोग रहे काई जला। 3 करोड़ की डील, तेरा बाप मेरे को बेच। बाप को कोई बेचता है क्या? बेचता तो नहीं, लेकिन तेरे बाप पे मेरा दिल आ गया है। मार्केट में ऐसा झुर्री वाला बापू कहीं मिलेगा ही नहीं। आई वॉन्ट योर बापू। बाप उसका कोई झोलझा पटा था क्या? जवानी दीवानी होती है रे, मुझे नहीं लगता खरीद पाएगा। बेच डालते हैं भाई। ये लोग मार्केट भाव निकाल रहे हैं, राख तो नहीं दे रहा है। दोनों भाभियों की कसम। सिर्फ पापा को ही ले जाएंगे क्या? क्यों आप भी आ रही हो क्या? माँ जी अकेली हो जाएंगी ना। अबे 3.25 करोड़ दो और आई को भी लेके जाओ। मुझे ये स्टील बॉडी वाला बुड्ढा ही चाहिए। बाय वन गेट वन फ्री, पापा के साथ मम्मी एकदम फ्री। नको नको, सिर्फ पापा का पैसा बोल। सॉरी सॉरी सॉरी, मम्मी के लिए ठेंगा और पापा के लिए 2 करोड़, इसके अंदर बंद है। बोलो खोलो क्या? तुम भी आई बाबा का कलेक्शन करते हो बचपन से? तेरे से अच्छी डील दे रहा है। मुझे सिर्फ पापा चाहिए, वो भी 4 करोड़ में, पापा मेरे हुए। डिस्कशन ब्रेक। भंगर माता पिता का अच्छा भाव मिल रहा है। होली बेच के फ्लैट लेंगे। भाव और बढ़ना चाहिए। लेकिन बलेगा कैसे? एक दिन का टाइम और मांग लो। ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। हमें 1 दिन का टाइम दो। आर यू श्योर? श्योर। मॉम डैड 1 दिन और इंतजार कर लो, कल तेरा बाप मेरा बाप बनेगा। मोती
छुरे। अरे भोले गोले, वो तेरे बाबू को सस्ते में खरीद के उस पे खर्चा करके चमका के महंगे में बेचेगा। अकेले क्या, एक बार डोके में नहीं घुस रही है। पापा का भाव प्रॉपर्टी माफिक कैसे बढ़ गया? देखो राज बताऊंगा, लेकिन 10% लूंगा। तुम्हारे दादा की 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तुम्हारे पापा नहीं जानते कि तुम्हारे दादा ने सट्टेबाजी में बहुत सारे पैसे कमाए थे दादी से छुपा के। जा जा, लंबे लंबे राग बतूले मत दे। सामने वो कौन है? भिखारी। आ गए ना धोखा, इनकम टैक्स ऑफिसर। आज से तुम लोग जो कुछ यहाँ करोगे उसका आंखों देखा हाल वो जाकर रवि तेजा को बताएगा। इससे तुम्हारे बाबू का रेट गिर सकता है। हेलो, तेरे को मालूम हम आई बाबा से कितना लव करते हैं? उनको अपना कलेजा भी खेला देंगे। चल निकल। इन्फॉर्मेशन दी तो तुझे मार दूंगा। जय बुला रहे लोकन वाला जाना है। माँ जी, तेरे बालों का जो मैं निकालती है अंदर चलो। मैं आपके लिए शीरा बनाती हूँ। एकदम से मालिश करूँगा। चलिए अंदर चलिए। माँ जी, आपके लिए नई नई साड़ियाँ लाई हूँ। पापा, आपके लिए पैंतोत लाए हैं। पापा, फ्रूट्स खाओ, जाम बनाओ। चल, उनके लिए मिसल पाव बनाए। चल, शीरा बनाएगी। हैसन स्ट्रीट से पापा के लिए टी-शर्ट लाया हूँ। देखिए कलर, देख एकदम लालम लाल। हमसे ज्यादा आपका ख्याल कौन रख सकता है? अरे थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा। हमसे ज्यादा आपका ख्याल कौन रख सकता है? माँ बाप की सेवा कैसे करते हैं हमसे सीखो मोहल्ले वालों। हाँ, वेयर इज योर भाभी? भाई साहब देखी नहीं, सर्च ऑपरेशन करो। गड्डी का टेस्ट ड्राइव कौन लेगा? डॉक्टर पट्टीवाला, ये सेटल द मैटर। ठीक है। बोलो क्या प्रॉब्लम है? और ये कैसा डॉक्टर है, टेस्ट ड्राइव के बने गड्डी लाता है या उतर जाता है? ठीक है। हाँ। क्या मैं टेस्ट ड्राइव लूं? और बिल्कुल लो। स्टेयरिंग कैसा है? मक्खन है। एसी कैसे चलता है? एकदम कश्मीर है। हॉर्न बजता है? और कान फाड़ है। ब्रेक कैसे लगता है? और डिस्को ब्रेक है। गाड़ी में एयर बैग्स हैं क्या? और एयर बैग नहीं, बीन बैग है इसके अंदर है। क्या बात है, ये निकलता कब है? ठुकने के बाद। नहीं निकला तो? और निकलेगा। नहीं निकला तो? और निकलेगा। 60 लाख की गड्डी है। खामोश। एक्सीडेंट करके दिखाओ फिर मानूंगा। चमड़े की है ना, फिसल गई। एयर बैग दिखा नहीं तो मैं गाड़ी लूंगा नहीं। दोबारा दिखा ना तुझे ठोक दूंगा। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरा दिल कर रहा था तुम भी वहाँ जा रही हो जहाँ मेरा पेशेंट है। और तुम्हारा पेशेंट कहाँ है? पापा पेशेंट काट लो जी। तुम्हारा पेशेंट वहाँ है? या तुम तो हड्डी के डॉक्टर हो ना? ऑलराउंडर हूँ। नो हूल। वो क्या लिखा है? ABCD आती है? ENT अर्थात कान नाक गला। वो 3 चीज संभाल सकता है, मैं 2 चीज नहीं संभाल सकता। रुक क्यों गई बेबी? तू लगा हुआ टर्म मेरे को पटेगी? ट्राई करते रहो। सॉलिल गो। हेलो, अंदर कहाँ जा रहे हो? रुको, नहीं रुको। चाहिए अब वो मैं। डिलीवरी का खर्चा बचेगा, ये खुद दिच डॉक्टर है। ग्रेविटी भरी नजरों से भाभी को खींच रहा हूँ। हाँ, पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट काफी इम्प्रूवमेंट बता रही है। और आप लोग कौन हैं? ये मेरी बहन है, इसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। ए, ले चलो इसे। हाँ? टकले, पागल हो गया है क्या? ये अभी तक कोमा में है। चुप! ए भाई, ये ठेला नहीं है जो घसीट रहा है, इलाज चल रहा है। हम लोग के ट्रीटमेंट में टांग मत अड़ा, हमें भी इलाज करना आता है। पेशेंट को ले जाओ। तो माजा टोकर खातो तो फर जातो, उसका तो पैकअप पैकअप पैकअप। Hey!
ये लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में जोर से मार रहा है, लेकिन पटेगी नहीं। पटेगी भी और पतंग कटेगी भी। तू काय करू क्या भाई, माफ करना, लगता है डोंगरी मेडिकल से पास आउट है, गलती हो गई। चमड़ी है गोरी, यही चमाजी छोरी। आ गया मेरे सपनों का शहजादा। उसने अपने दिल के वार्ड में खाट बिछा दी रे। ऑपोजिशन में होने के नाते मैं सीएम से पूछता हूँ कि क्या उन्हें नहीं पता कि होम मिनिस्टर शहर में गुंडागर्दी फैला रहे हैं। सीएम को जवाब देना होगा, और अगर हमें इस बात का सही जवाब नहीं मिला तो उन्हें रिजाइन करना होगा। ये मैंने नहीं करवाया। मैं जानता हूँ, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं एक सीएम हूँ। फिर से मेरे पास कोई शिकायत आई तो मुझे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। दिस इज फर्स्ट एंड फाइनल वार्निंग। अबे ए, क्या बोला? जब देखो सीएम 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 की रट लगाता है। तेरे पैदा होते ही तेरे माँ बाप ने तेरा नाम सीएम रखा था क्या? कुर्सी पे तू बैठा है तो तू, मैं बैठूंगा तो मैं सीएम, दैट्स इट। क्या फिर धमकी थी तो काट डालूंगा। विक्रम। हाँ भैया। उस सीएम ने मुझे वार्निंग दी है, उसे हटा के मुझे सीएम बनना है। कितने एमएलए हैं अपने पास? यही कुछ 20 लोग होंगे। 50 और खरीद लेंगे। अच्छा, सबका सपोर्ट मिलता ही अनाउंस कर दो। ओके। सीएम बनना क्या कोई खाने का काम है? हलवा है क्या? क्यों उंगली टेढ़ी की और घी निकाल लिया? ये हलवाई की औलाद, पॉलिटिक्स ही एक ऐसा काम है जो इस देश में कोई भी कर सकता है। मेरे साथ आओ, तुम्हारी काबिलियत देखकर तुम्हें यहाँ बुलवाया है। थैंक यू सर। मैं सीएम बनने वाला हूँ सर, तो मेरा साथ दोगे? अगर ईमानदारी से मेरा साथ दिया तो तुम्हें डीजीपी बनवा दूंगा। धन्यवाद। भैया 25 करोड़ में ये अपना दीन धर्म सब बेच देंगे। बस 25 करोड़ मिल जाएगा। ओके सर। मेरे गवर्नर से मिलने तक सारे एमएलए को करजत के फार्म हाउस में ठहराना। ठीक है सर। अरे इसकी तो क्या हुआ, ऐसा करके मैं भी सीएम बन सकता हूँ? बन तो सकता है बकुड़ा, लेकिन अगर मेरे पास इतना पैसा हो तो उसकी एफडी खुला के ब्याज ही खाओ। बॉम्बे वाली प्रॉपर्टी को बेचकर 12,000 करोड़ मिलेंगे, 2,000 करोड़ व्हाइट में दिखाएंगे और 10,000 करोड़ कैश मिलेंगे। कल करजत के फार्म हाउस से पैसे कलेक्ट कर लीजिए। सर पता चला है कि करजत से एक ट्रक 10,000 करोड़ कैश लेकर निकल चुका है। उन पैसों से वो हमारे 50 एमएलए खरीदना चाहते हैं। ऐसा हुआ तो वो सीएम बन जाएगा। बन जाने दो सीएम, अपनी पोस्ट बचाने के लिए बेकार के झगड़े नहीं चाहिए। सर आपको कुछ करना ही होगा। वो रावण सीएम बना तो स्टेट को लंका बना देगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या कर सकता हूँ, जाके ट्रक के सामने लेट जाऊँ? सर एक आदमी है जिसने होम मिनिस्टर को धमकी दी थी, ये काम वही कर सकता है। तो उससे कॉन्टेक्ट करूँ? बिना डिटेल्स बताए उससे बात करो। सर आपकी मदद चाहिए। बोल क्या काम है? हमारी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसका एक ट्रक चोरी हो गया है। उसे आज कोई और चला रहा था और वो ट्रक देने से मना कर रहा है। अगर आप ट्रक ला देंगे तो आपको 20,000 रुपए दूंगा। ए, रुक, पैसे से मत तोल, पैसा नहीं चाहिए। ये बुड्ढों का पैसा नहीं है, ले ले। ओ गरीबों के सलमान, सुना नहीं क्या घोड़ा चने से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? चल ले ले। सुन मेरी बात, इससे पैसा नहीं लेना चाहिए। तू बकवास बंद कर रे रवि, धंधे में नो कॉम्प्रोमाइज, बी पॉजिटिव बी स्ट्रांग। रुक, इसे ट्रम में उतारता हूं। 20,000 में ना होवे तो फिर कितना दूं? 21,000 फाइनल फिगर। सर अरे वाह, थैंक यू थैंक यू, नए नोट दिए, काम भी नए तरीके से करेंगे। रंग कौन सा बता देना है। सर वहां देखिए वो ट्रक है,
अरे घबराइए नहीं, हम आपको व्हाट्सएप में भेज देंगे ना। क्या? हाँ भैया बोलिए। बदबू आ रही है, ले इत्र लगा। अबे आगे देख, अरे इसमें ऑटो पायलट लगाए रे। घुमा घुमा गाड़ी घुमा, उसको ओवरटेक कर। मुड़मक तो हमका भैया बोल के इमोशनल कर दिया। प्लीज जल्दी आओ इधर, मदद करो मेरी। अरे रे, टांग नहीं संभाल सकता तो मेरे रास्ते में टांग क्यों बढ़ाई? स्पीड बढ़ी और दुर्घटना घटी। चल टांग निकाल। थैंक्स भैया। हेलो सर, हमारा ट्रक चोरी हो गया सर। क्या कहा, ट्रक चोरी हो गया? किसने की हिम्मत? वही आदमी जिसने आपको धमकी दी थी। मुझे किसने धमकी दी थी? देता हूँ सर। हेलो, कौन है तू? पहले तू बता बे। अबे होम मिनिस्टर। सलाम नमस्ते आदाब। वो ट्रक मेरा है। ट्रक पे आपका नाम नहीं था और आपके फंटर ने बताया भी नहीं। अब पता चल गया ना, मेरा ट्रक मुझे वापस कर। गद्दारी हो जाएगी। क्या, ये क्या बक रहा है तू? 21,000 में कॉन्ट्रैक्ट लिया था। किसने दिया कॉन्ट्रैक्ट? चल भूल जा, डबल पैसे दूंगा, ट्रक वापस कर। सेंसेक्स ऊपर नीचे होता है, मेरी जबान नहीं। भी क्या है, क्या जानता भी है ट्रक में क्या है? खाली भी हो तो मेरे को क्या करने का है? अगली बार ट्रक किडनैपिंग का काम मुझे ही देना। हाँ। मतलब तू ट्रक वापस नहीं करेगा? एक बार जो काम मैं हाथ में लेता हूँ उसे पूरा करके ही रहता हूँ। अबे ट्रक वापस करता है या फिर मैं वहाँ पे आऊँ? खाली टाइम हो तो आ जाओ। ट्रक छोड़ेगा या नहीं? हिंदी नहीं आती तो गुजराती माँ बोलू? अपनी मौत को दावत दे रहा है तू? तेरी मौत का इनविटेशन कार्ड छप गया है। ऐसी मौत दूंगा कि डॉक्टर भी पोस्टमार्टम से इनकार कर देगा। तू पेट्रोल बचा। ट्रक में बैठकर मैं खुद आ रहा हूँ। तुझे नहीं पता मौत का ठेकेदार हूँ मैं। रिवर्स, चाल, मेरे घर में आके मेरे आदमियों को मारा, मौत से डर नहीं लगता? डेमो देख के क्या लगता है मौत से मेरी पुक पुकाती है? पहले मेरे भाई को मारा और फिर मुझे सॉरी बोलने का नाटक किया।
मगरमच्छ से खेल रहा है तू। तेरे को कोड वर्ड में बोला था ना, तेरी आत्मा भटकेगी जिस दिन मेरी सटकेगी, उस दिन बैंक में तेरे भाई की धुलाई की ताकि तुझ तक पहुंच सकूं। सब प्लानिंग थी। तू आखिर है कौन? हम दोनों के बापू का नाम एक ही है, अनाथ। तेरे मेरे बीच क्या रिश्ता है? वही रिश्ता जो एक भाई के बीच होता है। मैं हैदराबाद के अनाथ आश्रम में पला और तू महाराष्ट्र के अनाथ आश्रम में। उन्होंने तेरी परवरिश अपनी सगी औलाद की तरह की और इस मकाम पर पहुंचाया और तूने उसी देवता को मार डाला। बच्चा समझकर तुझे माफ करता रहा, तू आज भी अनाथ बनकर सड़ रहा है और मेरी हैसियत हिमालय से भी ऊंची हो चुकी है। कल जब सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा तो सारा राज्य झुककर मुझे सलाम ठोकेगा। ये है मेरा रुतबा। तेरे रुतबे को घमंड की दीमक ने पकड़ लिया है। ऐसी जगह डसूंगा कि पानी भी नहीं मांगेगा। सर उठाने वाले सांप का फन मरोड़ देता हूँ। ये पेट की मरोड़ नहीं जो चूरन लेकर साफ हो जाए। मेरे पाप के साम्राज्य को किसी ने भी हिलाने की कोशिश की तो जिंदा गाड़ दूंगा। बिना बदला लिए अगर मैं गड़ गया तो जमीन भी मुझे वापस फेंक देगी। आदमी तेरे हथियार, तेरे साम्राज्य, तेरा सर्वनाश तेरा, लेकिन टाइम मेरा होगा। पैसा वहीं पहुंचाया जहां उसे होना चाहिए था। जिसके हक का पैसा है वो उसी को मिले, ये मेरा फंडा है। लोगों के पैसे लूटना और अय्याशी करना तेरा धंधा है। वसीयत लिख डाल, तेरी मौत का दिन मैंने फिक्स कर दिया है। वीकेंड से पहले तेरा दी एंड करूंगा। वीकेंड पर मैं महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी खाने जा रहा हूं। मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, इको पॉइंट पर मिलूंगा। और हाँ, रिटर्न में ओला बुक मत करवाना, क्योंकि उधर इस तेरी कबर बनाकर व्हाइट चूना मारूंगा। हम दोनों के बापू का नाम एक ही है, अनाथ। उन्होंने तेरी परवरिश अपनी सगी औलाद की तरह की और इस मकाम पर पहुंचाया। मेरा बेटा, आज इसका जन्मदिन है, इसे आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। आज जितना आशीर्वाद चाहिए ले ले, क्योंकि कल आशीर्वाद लेने के लिए तो जिंदा नहीं बचेगा। शो कर रहे थे डिकरा? लूडो खेल के टाइम पास कर रहा हूँ, तू भी खेल। हाँ, फ्री में एक काम करेगा? अगर ये ऑफिस मेरा है, ऐसा केस ठोक दूं तो क्या होगा? हलवा है क्या, कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। करेक्ट, उसके बाद तो मी क्लेम कर सकता है। हाँ। केस सच्चा हुए तो ठीक, झूठा हुआ तो सलाखों के पीछे। झूठे क्लेम को बेस बनाकर हम लोग सबको नोटिस भेजेंगे, उसके बाद ही शुरू होगी नवरात्रि। चल उंगली से टाइपराइटर पर लिखना शुरू कर नोटिस। ठीक है, भेज देते। सर, किसी ने हमारे होटल पे केस किया है। हमारे ऊपर केस किया है? कौन है वो? कोई रतन मटका है। कौन है ये रतन मटका? वो जूते घिस रहा है। पॉलिश करने वाले ने केस किया? सर, जिस जगह पे हमने मॉल बनाया है उसके ओनर शफी ने कोर्ट से नोटिस भेजा है कि हम वो मॉल खाली कर दे। कौन शफी? खिड़की से बाहर देखिए सर। वो ऑटो ड्राइवर? यस सर। इतना बड़ा जगह उसका है? हाउ कैन आई नो सर। मुझे नहीं लगता राजू। माइट बी सर। पद्मावती कौन आए रे? ए टेंट लिया कमरे सुरने कर ले। महेंद्र, आजकल कोर्ट में जितने भी केसेस आ रहे हैं सारे के सारे प्रॉपर्टी रिलेटेड है। बड़ी अजीब बात है। और इन सारे प्रॉपर्टी केसेस में होम मिनिस्टर की हर जगह 50% पार्टनरशिप है, और मेरा दावा है कि होम मिनिस्टर ये केस हार जाएगा। कोई तो है जो होम मिनिस्टर को टारगेट कर रहा है। तुम्हारी जमीन पर क्लेम किया गया है, अगर वो जमीन तुम्हारी है प्रूव करने के लिए कोई सबूत पेश करो। ये रहे पेपर, सर्वे नंबर 100 और 101 हमारे नाम पर है।
जिन सर्वे नंबर्स की ये बात कर रहे हैं, सरकार उसे वापस लेने और गरीबों को देने का ऑर्डर कभी का इश्यू कर चुकी है। यह उसकी कॉपी है सर। सर, उस जमीन के सेल ऑर्डर्स के पेपर्स मेरे क्लाइंट के नाम है, आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। योर ऑनर, ये जमीन या तो सरकार के पास होनी चाहिए थी या फिर गरीबों के नाम। इस जमीन को खरीदना या बेचना जुर्म है। सरकारी कागजात पर इसका जिक्र किया गया है और यह है इसका सबूत। रतन को कोर्ट में पेश किया जाए। सरकार, बचपन से सड़क पर बैठकर जूते सिल रहा हूँ। मेरे बाप दादा भी यही करते थे और मेरी आने वाली पीढ़ी भी शायद यही काम करते करते मर जाएगी। कुछ साल पहले तक वो जमीन खाली पड़ी थी, फिर एक दिन सरकारी लोग आए और कहा कि यहाँ गरीबों के लिए घर बनेगा, पर पता नहीं फिर क्या हुआ, वहाँ एक होटल खड़ा हो गया। जानता था कुछ तो गलत हो रहा है, पर यहाँ गरीब की कौन सुनता है। एक दिन एक आदमी आया, उसने सपना दिखाया कि हमारे दिन बदलने वाले हैं। मेरा उस जमीन से कोई वास्ता नहीं, जब तक हाथ पैर चलेंगे चप्पल है सीता रहूंगा, लेकिन उसका शुक्रगुजार हूं जिसने हमारे बारे में सोचा। ये सारी जमीनें जन कल्याण के लिए अलॉट की गई थी। इन सरकारी जमीनों को 200 गरीब परिवारों में बराबर बांट दिया जाए। अदालत के इस हुक्म को फौरन लागू किया जाए। साष्टांग दंडवत प्रणाम। खबर मिली? अभी तो सिर्फ हाथ से जमीन निकल गई है, छप्पर भी उड़ेगा। ये है चारकोप के रवि का प्रकोप। इतना सन्नाटा काय को? कोमा में चला गया? डायरेक्ट तीसरा अटैक दूं क्या बे? चल तुझे बाईपास सर्जरी से निकालने के लिए एक एंटीबायोटिक देता हूं। जिस गौतमी को तूने मारा वो मेरी बहन है, वो मेरी हिफाजत में है, ले जाओ इसे। तेरे जुल्म की हवेली पर गिद्धों ने बसेरा कर लिया है, तू तो गयो। करोड़ों का नुकसान करवा के रवि अभी भी जिंदा है और आप यहां कुर्सी पे आराम से बैठे हुए हैं। इतना ईगो सेहत के लिए अच्छा नहीं। अरे क्या है भाई, तुम सब मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। चलो हम एक गेम खेलते हैं, सच्चाई बताओ और इनाम पाओ। बताओ मैं कैसा हूँ बाबू मोशाय? आप सिंसियरली डॉ है, सीएम बनेगा। नेताओं वाली सारी खूबियां हैं आप में। पर्सनालिटी तो फिल्म स्टार जैसी है। नेताजी गुस्से में है, कचोरी भी चाशनी में डुबा के खिला। चांद पे दागे लेकिन आप पे नहीं। सर आप पे थोड़ा सा ईगो है। तुम बताओ भाई। आप बहुत स्मार्ट हैं, अभी शांत हैं यानी कुछ दूर का सोच रहे हैं? कहता है कि मुझ में ईगो है। ईगो है क्या? नहीं सर। बाबू मुशाय, ईगो का ई भी नहीं है सर, सीएम बनेगा। अरे मैंने ई से ईगो नहीं बल्कि ई से एलिफेंट पढ़ा है, सही बोला ना? आपने जो भी पढ़ा है सही पढ़ा है। एक बुलेट से उसकी बोलती बंद कर सकता हूँ, पर अब बात ईगो की है। उसकी बहन गौतमी, ढूंढ निकालो उसे, दोनों को साथ मारूंगा। ये ये राहुल, ये जीप रवि की है? नहीं तेजा की है। ले मुझे लगा रवि तेजा की है। हाँ भाई भाई, चल सीधा हो जा। अभी क्यों? आईने में पोमेरियन डॉगीज दिख रहे हैं, उन्हें हड्डी डालकर अभी आता हूँ। आंटी आंटी, इधर पॉपलेट मार्केट किधर है? सॉरी मैं पॉपलेट नहीं खाती। ओके ओके। भाऊ मछली मार्केट। ओ, उधर मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। मैं लेफ्ट जाके राइट जाके सेंटर जाके फिर ओ वा ओ इनसे पूछता हूँ। अंकल, ये हेयर स्टाइल को मैंने कहीं देखा है। ये देखा है? और ये वाला? व्हाट अ न्यू लुक, नहीं देखा है। योर रेज्यूमे प्लीज। मैं शनि मंदिर के बाहर तेल बेचता हूँ। अरे देवा, गोटिया तू? मैं वही तेल वापस इसे बेचता हूँ। तुम्हारो रेज्यूम?
लोगों की लाइफ में शनि लाता हूँ। शनिवार को हाफ डे पे तेरा डबल धंधा होता रहेगा। तो है सनसनी। बाबू मोशाय मछली मार्केट की तरह। चलो हम छोड़ देते हैं, उधर ही जा रहे हैं। हमने तो नॉनवेज छोड़ दिया ना। अरे आग क्यों मार रहे हो? मैं तो आग से मच्छर मार रहा हूँ, लेकिन तुझे तेरा काम याद है कि भूल गया? हाँ अभी याद आया। क्या हमें इसकी जासूसी करनी है? मम्मी मरी गयो। आओ आओ साथ में मछली खाओ। चलो। हेलो हेलो हेलो, कहाँ है तू? मैं लेऊ बाजार जा रहा हूँ, इनको पापलेट के दर्शन करवाने हैं। अच्छा तू तो गुरु है। चलो झिंगे लोग गाड़ी में बैठ जाओ। मिला क्या वो? हाँ मिल गया, हम लोग के साथ ही है। गांडा समझाए क्या? चल फोन रख। ओके जल्दी बैठो, पेट्रोल महंगा हो गया। थैंक यू, मैं पापलेट के दर्शन करके आता हूँ। राजा क्या है गांडा? कहाँ हो तुम लोग? मच्छी मार्केट में। वहाँ क्यों गए? उसकी बहन को विटामिन डी चाहिए ना। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पहले उसको मेकअप करेंगे, फिर विटामिन डी का इंजेक्शन और प्रोटीन शेक पिला के लेके आते हैं। चल फोन रख। इडियट्स। ये लोग नहीं सुधरना। इकड़े काय खड़े ला? वो दरअसल हमने ऑनलाइन 5 ट्रक मच्छी खरीद ली है। तुम अब कहाँ जाओगे? फूल मार्केट। ओ फूल मार्केट, मुझे भी फूल खरीदने हैं। क्या आपकी शादी है? 4 चमेली के गजरे, 6 गुलाब के गजरे और ये दरवाजे के लिए। अभी कहाँ हो? वो अपनी बहन के लिए गजरे खरीद रहा है। वो कोमा में गजरे लगाएगी? अबे कोमा लगाए, फुल स्टॉप नहीं लगाए। फुल फ्रेश रहते हैं, आज नहीं तो कल लगाएगी। यू फुल सही चिपका है। इससे भी बड़ा। अब क्या बाकी है? पापलेट ले ली, फल भी ले लिए, फूल भी ले लिए, अब चूड़ी लेकर आओ। चूड़ा भी लेके आना। सकने की काम आएगा। पाली हिल पता है? जुबिली हिल के पास ने जहाँ जाके हम जिल गए थे। तेरे को वहाँ काम है ना? समझ गया। नटी बॉय खान ब्रदर उधर ही चलते हैं। चल मेरी जान। धमा 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 धमा। तुम्हारी शेयरिंग जी बहुत ऑनलाइन कर देना। मेरे को डाउट है क्या सीपीजी घर पे नहीं है? नहीं है। वही छे। अरे केतु आ रहा हूँ। ये तो कमिश्नर का घर है ना? अरे हाँ, ये तो अपने को चूना लगा के कमिश्नर के घर में घुस गया। बहुत चाणा। फोन करता हूँ, फोन करता हूँ। सर बोलो। भाई मेरा इनाम तैयार रखो ना, खबर सुनो। ये रवि तेजा की बहन गौतम ही बंगाली कमिश्नर के घर पे है। तेजा की बहन तेरे घर पे कैसे? अब हमारे घर में। हेलो सुजैन, इज मैडम हाउस होम? तुम्हें कौन रे बाबा? मैं तुम्हारी साहब की बेटी की मांग का सिंदूर। इसे बीच से काटो, इसमें मसाला भरो और रापचिक पापलेट बनाओ। नाउ यू गो। पहली बार जवाई ने घर में कदम रखा, आरती उतारने वाला कोई नहीं है बीवी। ओम जय जगदीश हरे, स्वाम जय जगदीश हरे। देखो कौन है। हेलो। अरे सुनो, कोई घर पे आया था? आपकी बेटी का होने वाला मर्द। क्या गोंडगोल करता है, फोन रख। कोई गलत फैमिली हुआ है सर, हम खुद जाके चेक करता है। हेलो। कबड्डी 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 मेघालू प्लेट्स बनाता हूँ। सब सीढ़ी खेलना पड़ेगा, मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। अच्छे आया, अच्छे आया। सांप ने काटा हूँ। ये तेरा पल्लू प्यार बढ़ेगा। हल्लू हल्लू, कौन सा परफ्यूम लगाती हो? कोमल मुलायम खिली खिली, तू इच्छे मेरी गुलाब की कली। फिर छे आया, इस बार सांप नहीं डसा। गेम ओवर। लाइसेंस नहीं है। साइलेंस। इंश्योरेंस। बम्पर टू बम्पर। परमिट। लाइफ लॉन्ग पीओसी। वैलिड। कल इसी टाइम पर आऊंगा लाल साड़ी लेकर। नहीं नहीं, कल पापा घर पे। मम्मी मर गए हो। खेलो, ले लो, मेलो, चलो।
हमारे क्या लगता है जो इधर आया? मेरी बेटी का होने वाला इकलौता पति कमिश्नर का बेटी से भाला बाशा करेगा? क्यों? कमिश्नर की बेटी में कांटे लगे उसमें अरमान नहीं है या वो तू जैसी तुच्छ है? याद नहीं आता है पर ये लाइन किधर तो सुना है? साउथ फिल्म का डायलॉग है सर। इधर फिल्मी डायलॉग मारेगा तो हम गोली मारेगा। हमारा टांग को इंडिया गेट समझ कर चुप कर, माची फेंक के मारेगा। ये सब क्या है अली? क्या हुआ? बहुत मारा रे। जल्दी ऑटो लेकर आ जा। हाँ बोलिए डॉक्टर। गौतमी की इंजेक्शन खत्म हो चुकी है, जल्दी से ले आओ। जी अभी लेकर आता हूँ। आखिर हुआ क्या था, तुझे मारा क्यों? तुम्हारा फोन आने के ठीक 10 मिनट के बाद कुछ लोग तुम्हारी बहन को ढूंढते हुए यहाँ आए। मैंने कुछ नहीं बोला। फोन आने के बाद इसकी तो माथा क्यों पीट रहा है? हमारे फोन रिकॉर्ड हो रहे। एवीआर हॉस्पिटल से उसे फोन किया गया था, मतलब उसकी बहन वही है। उसके घर से हॉस्पिटल की दूरी 10 किलोमीटर है और हमारे यहां से 5 किलोमीटर की दूरी है। उसका सिग्नल इस वक्त हॉस्पिटल की तरफ ही ट्रैवल कर रहा है। रवि क्या हुआ? इसे ले जाना होगा। तुम पागल हो गए हो क्या? इसे ले जाना रिस्की होगा। यहाँ रखने में ज्यादा रिस्क है। भाव, वो लड़की इधर है। जल्दी जल्दी निकलो निकलो। बाहर निकाल। इसे ले जाना रिस्की होगा। यहाँ रखने में ज्यादा रिस्क है। होम मिनिस्टर को चूना लगाया।
ये क्या पागलपन है? इसके लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी और तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं। उस दिन जान पे खेलकर इसे बचाया तो इम्प्रेस हो गई थी, आज क्या हुआ तुम्हें? पहले तुम औरों के लिए जीते थे, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए जी रही हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जन्मों जन्मों तक रहना चाहती हूँ। तुम्हें ये मार काट छोड़नी होगी। दुनिया में अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन अपना जीवन दांव पर लगाकर दूसरों के लिए जीना ही जीवन है। मैं ऐसा ही हूँ। गौतमी जिएगी या नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन तुम मुझे जीते जी क्यों मारना चाहते हो? क्या इसकी जान मुझसे ज्यादा प्यारी है? चुप हो जाओ। अगर मेरे पास 100 जान होगी ना तो भी मैं इस पे कुर्बान कर दूंगा। अगर साक्षात यमराज भी इसे लेने आए ना तो अकेले उसका सामना करूंगा। इस अनाथ को सबसे पहले भाई का दर्जा इस बहन ने दिया, इसे नहीं छोड़ूंगा। आंख खुलते ही माँ बाप का साया सर से उड़ गया। स्कूल में किताबों के पन्ने पलटने के बजाय मैं सड़कों पर कागज चुनने लगा। जहां पर सूरज ढलता मैं धरती माँ की गोद में वहीं पर सो जाता। ए बेटा उठ, उठ आ मेरे साथ। दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। ये बात बचपन से ही मेरे दिल में घर कर गई और मैंने ठान लिया कि मैं अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पित कर दूंगा। एक दिन रेलवे पटरी के पास मैं बिखरे हुए कागज के पन्ने इकट्ठा कर रहा था। चुप हो जाओ बेटा। अरे रोते नहीं बाबा। रोते नहीं है। चुप हो जाओ। रोते नहीं मेरे पास है। रो मत। हम लोग खेलेंगे। के पास जाओ। लाओ लाओ हाथ लाओ। लाओ। जाओ बेटी। ओ नहीं आएगी। कैसे रोती हो? मैं भी रो के दिखाओ। चुप हो गई। चलो चलो भैया को बाय बोलो। ख्याल रखना बेटा। ठीक है। रखना। चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो? अच्छे बच्चे रोते नहीं। चलो मैं तुम्हें झूला झुलाता हूँ। अब रात हो गई है, सो जाओ। हाँ सुबह हम लोग खेलेंगे। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी बहन को तेज बुखार है। इसे बुखार नहीं है बेटा, भूख लगी है। माँ से कहो इसे दूध पिलाएं। ओए तू पैसे की चिंता ना कर, मुझे बस खून लाके दे, समझ गया? हाँ समझ गया। सर रुकिए, सर मेरी बात सुनिए, रुकिए सर। क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा है अगर इन्हें खून नहीं चढ़ाया तो ये नहीं सर, बचेंगे। मैं देता हूँ ना खून, कितना खून चाहिए आपको? ओ बच्चे का खून लेके मैं क्या करूँगा, चल जाए यहाँ से। ऐसा मत बोलिए, मेरा खून बहुत अच्छा है, लेके देखिए ना सर। थोड़ा पैसे कम दे देना, मेरा खून बहुत मीठा है, मैं चॉकलेट खाता हूँ ना। ओए बच्चे खून दान नहीं करते, तू जा यहाँ से। ले लो ना अंकल, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। बेटा यहाँ आओ। और तू सी फिक्र ना करो, जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम उन्हें जानते हो क्या? नहीं अंकल। तो खून क्यों देना चाहते हो? मुझे पैसे चाहिए इसीलिए। और पैसे क्यों चाहिए? मेरी बहन ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया इसीलिए रो रही है। पैसे मिल जाए तो इसके लिए मैं दूध खरीदूंगा। तुम्हारी सगी बहन है? हाँ अंकल। नहीं अंकल,
इसकी अम्मा ट्रेन से टकरा के मर गई और मुझसे वचन लिया है कि इसका ख्याल रखना। अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इसका ख्याल रखना है। ला 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 ला, चलो 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 जाओ, पी लो पी लो पी लो पी लो मेरे बच्चा, पी लो पी लो पी लो। वो देखो वो देखो वो देखो, ये सब लोग कौन है? आज के बाद से बच्चे तुम्हारे भाई हैं और तुम्हारी बहनें हैं। इतना बड़ा परिवार पाके मैं बहुत खुश हूँ। पिताजी। क्या हुआ बेटा? बाबूजी ये पास हो गई। मन लगा के पढ़ना। मैं चाहता हूँ बेटा कि यहाँ का कामकाज तुम संभालो, पूरी लगन से काम करो। मैं 2 महीने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। ये आशीर्वाद दीजिए पिताजी। महंगी गिफ्ट निकाल लाइए। बड़ी होकर फोटोग्राफर बनना। स्माइल। हटना। ये ठीक है। बच्चों को यहाँ से शिफ्ट कर दो। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। क्या बात है बेटा? मुझे मुंबई में न्यूज रिपोर्टर की जॉब मिल गई है। अरे वाह, दैट्स गुड। थैंक यू। बधाई हो। तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या भैया? जॉब तो ठीक है, मुंबई जाना अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह से बात नहीं करते। हाँ, इसके बिना मैं कैसे जी सकूंगा? प्लीज 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 भैया, मैं कैसे जीऊंगा अपनी बहन के लिए, प्लीज। रक्षाबंधन पर जिस बहन ने मेरी कलाई पर रक्षा का धागा बांधा था, उसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। सब ठीक है सर। अगर मेरी बहन बच पाई तो इनकी वजह से। गौतमी! गौतमी क्या हुआ? गौतमी! कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरी बात का जवाब दे। कौन है वो लोग? हेलो हेलो, I'll take care of your sister. एक काम करो, वरुण मुंबई आ जाओ। इनका कॉल आते ही मैं मुंबई पहुंचा। ये मुझे स्टेशन पर लेने आए थे, लेकिन अनजाने में हम दोनों में हाथापाई हो गई। फिर फोन करने के बाद मुझे पता चला कि इन्हीं के घर पर मेरी बहन है और हमने गौतमी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया। आप IPS ऑफिसर हैं, कुछ कीजिए सर। कुछ नहीं कर सकता मैं। IPS ऑफिसर बना ताकि लोगों की सेवा कर सकूं। IPS हम सिर्फ मोहरे बनकर रह गए इन पॉलिटिशियंस के। सिस्टम ने उनका गुलाम बना दिया है, उनकी कुर्सी के आसपास मंडराते हैं, उससे ज्यादा हमारी औकात नहीं। उनके दिन भर गए, एक एक को घर में घुस कर मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा कि उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाएगा। बच्चों जैसी बातें मत करो, वो होम मिनिस्टर है, उसके घर की दहलीज पार करने से पहले तुम दुनिया से पार हो जाओगे। जो भी करना है होशियारी से करना है। अब तुम बनोगे अर्जुन और मैं बनूंगा कृष्ण। होम मिनिस्टर की सारी खुफिया इन्फॉर्मेशन इन्होंने मुझे दी। एक जिम्मेदार पुलिस वाले की तरह इन्होंने मेरी हेल्प की। उन राक्षसों के खिलाफ इसने अकेले ही युद्ध छेड़ा है, बिना अपनी जान की परवाह किए। दिल का हीरा ही। सॉरी। होता है। अभी तक वहां से फोन नहीं आया, हम लोग इंतजार कर सर रिपोर्टर गौतमी डिस्चार्ज हो गई है,
हॉस्पिटल के एमडी रघुराम से मेरी बात हुई है और उन्हें भी ये नहीं पता कि उसे कहाँ शिफ्ट किया गया है। कुछ भी करके ढूंढो उसे, अगर वो बच गए तो मैं अंदर हो जाऊंगा, समझ रहे हो तुम राहुल? हाँ, हाँ, मोटा भाई। ठासु मंडली आ गए, बेवड़ा कहाँ है? कॉमन भाभी कितने? अपन को क्यों बुलाया भाई? बिना झूठ बोले अपनी जिंदगी पे रोशनी डाल। फुकट की पीने के बाद मैं बहुत सच सच बोलता हूँ। शराब करेगा लीवर खराब, थोड़ी पी। कॉमन भाभी को टुन कर डाल। शुरू हो जा। एक बार मैं समंदर में गया, वहाँ पे सीप की जगह रमेश किप्पी मिल गए, बोले छोले टू तुम करो। डायरेक्ट पॉइंट पे आ, उधर ही जा रहा हूँ। फिल्म क्या बोला तू? छोले टू। मेन मेन सीन बता। ठाकुर साहब नए हाथ लगवा कर बसंती को लेके मेले में घूम रहे हैं और बसंती गन्ना चूस रही है। क्या दिमाग पाया है? गब्बर ने मौसी के साथ शादी कर ली और शॉर्ट एंड स्वीट फैमिली बसा ली है। सुरमा भोपाली के साथ सांबा तांबा बेचने लग गया है भाई। ये छोले के छोले ठंडे कर डालेगा। स्टोरी में जान डालने के लिए करना पड़ता है। बहुत जान डाल रहा है। आप दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया? किया क्यों नहीं, ऑफर भी आया था, बड़े डायरेक्टर ने दिया था, फ्रंट दरवाजा बोल के। मैंने बोला टू साइड डोर नाम रखो। टू साइड? मैडम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे। डबल मीनिंग में मत जा, मैं सच बोल रहा हूँ। वैसा डबल मीनिंग नहीं सर, परफॉर्मेंस मतलब एक्टिंग डांसिंग दोनों। अरे डांसिंग में इसका पैर कोई नहीं मार सकता। मोटी मोटी एक कैसा ना चाहिए। बस भड़की गई हो। डोंट टच माय ईगो, अपना मुंह बंद कर नहीं तो तेरे साथ डांडिया खेलूंगा। तू शुरू हो जा। कौन से गाने पे नाचूं? वही गाना जिसमे बीन बहुत बजती है। क्यों भूखे शेरों को दाना डाल रही है? चल अगली गली से कपड़े धोकर आते। मेरे को पहले से ही ज्ञान था, मदिरा की खुशबू से प्यासे कौवे जरूर आएंगे। पिट कर खाओगे या खाकर पिटोगे? तूने बताया नहीं यहाँ दारू पार्टी भी है? कैसा दोस्त है, बताया नहीं, बिरयानी भी है। देखना, इसने मुझे बताया नहीं। काय को नहीं बताया? अगर ऐसी बात है तो पहले हमको चेक करना पड़ेगा माल असली है कि नकली। चल टेस्टिंग करा। टल्ले। मोटा भाई, थारा मंथली कितने का पैकेज है? ये कॉल के पैकेज का पूछ रहा है या डेटा के? छे छे छे, पगार पूछ तो रे। छे छे, सैलरी तनख्वाह पगार पैकेज कुछ नहीं। पछे? भाई बर्थडे टू बर्थडे कुछ दे देते। मेडिकल इंश्योरेंस है? इंश्योरेंस वो क्या होता है? बीमा। मान लो मैंने तुम दोनों का हाथ पैर तोड़ दिया तो? गाड़ी का और घर का इंश्योरेंस सुना था, लेकिन हाथ पैर तोड़वाने का भी होता है? चुमत्तिया, होता है। खा मारी करेगा मम्मी। लाइफ की सिक्योरिटी नहीं की है क्या? सिक्योरिटी तो वॉचमैन करता है। अपने गणियाने नेताजी के लिए काम करके खुद के हाथ पैर भी तोड़वा दिए। हॉस्पिटल में खाटला लग गया था। कितने दिन का? छह महीने का लग गया। छह महीना? अरे रे रे रे, एटले मरने के बाद लावारिस लाश बनोगे? थारे बच्चे कौन स्कूल में जावे? अरे स्कूल में क्यों जाएगा, मेरा बेटा चाय की टपरी पे काम करता है, इसका बेटा बलून में हवा भर के बेचता है, और वो जाड़िए का बेटा है ना, गोल्ड माइन पिक्चर की टिकटें ब्लैक में बेचता है, सबसे ज्यादा वही कमाता है। ऐसा क्या? हाँ हाँ भैला। मतलब बच्चों की सेफ्टी के लिए कुछ नहीं किया है? सेफ्टी के? जॉब पे तुम्हारी ड्यूटी क्या है? आदित्य भाई के लिए किलिंग और विक्रम भाई के लिए लैंड ग्रैबिंग। बोले तो खुद का बिजनेस करने का आइडिया बताओ। जल्दी से बताओ। होम मिनिस्टर के लिए जो जमीन पर कब्जा किया है, अब उसी जमीन पर अपना कब्जा जमाओ। अरे आइडिया तो सॉलिड छे बापू, खूब नोट बनाएंगे भाई लोग। बैठो सब। व्हाट एन आइडिया, चढ़ गई है क्या? वहाँ रोज दारू का भंडारा होता है, इसने एक दिन पिलाई और तुम लोग बैठ गए। ये कल कल्टी ले लेगा तो टी पियेंगे। सिम कार्ड के लिए फॉर्म भरा है कभी? हाँ भाई ने भरवाया। चले हुए स्वीट पटेटो, वो सिम कार्ड का नहीं, इलीगल दारू का ठेका चलाने का फॉर्म था। मुकेश, अनिल, रतन, विजय, उन लोगों के नाम से जो शॉप है वो तुम्हारी हुई, उस पे कब्जा करके कब्जा दिलाने का काम मेरा। ये विजय हिमालय नहीं भागेगा। चलो आसन संभाल कर रखे। चल घर जा, घर जा, चल चल निकल। प्रणी भाई, जहाँ तक नजर जा रही है वो जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, और उधर भी पूरी की पूरी जमीन। ए, ये बोर्ड किसने लगाया? उखाड़ो इसे, हटो। अरे मम्मी ना सम, बोर्ड को हाथ मत लगाना। प्रॉब्लम क्या है बोल? तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। मेरे को बड़े से बड़ा आईपीएस भी नहीं छू सकता, मेरे पास एक्सीलेटर बेल है। एक्सीलेटर बेल? ये कार है क्या? ये बकुड़ा। एक्सीलेटर बेल नहीं रे, एंटीसेप्टिक बेल। बकुड़ा जो बोल रहा है वही है। ए,
दो रुपए के कागज पे तू कुछ भी लिखवा कर जमीन पर कब्जा कर लेगा। अरे गांडा, ये मेरा कारपेंटर स्टाइल है। कारपेंटर बकुड़ा? कारपेंटर नहीं रे गांडा, कॉर्पोरेटर बोल। बकुड़ा ने जो बोला वही। ए, चलट। ए गली बॉय, चुपचाप इधर से निकल जा, नहीं तो मेरे ऊपर रैप करने का केस ठोक दूंगा। रैप? तुम्हारा रैप मैं करूंगा। हाँ, सबके सामने। तू ही तो कर रहा है, ये देख, देखना। एक नंबर का पागल है, अगर यहाँ रुका तो फेसबुक पर वायरल हो जाऊंगा। चलो सारे के सारे एमएलए हमारी तरफ आ गए हैं सर। उसने हमारे सभी आदमी खरीद लिए, हमारी जमीनों पर भी कब्जा कर लिया सर। तूफान से पहले की खामोशी को वो मेरी कमजोरी समझ रहा है। उसकी बहन का इलाज करने वाली डॉक्टर का कुछ इलाज करो। आओ मीना, सुपर सीना। मालविका, हेलो, स्पीकर ऑन कर। मेरी गुलामी करने के बजाय तू उसके तलवे चाट रहा है। तू उसे सपोर्ट करता रहा और तेरी बीवी उसकी बहन को भनक तक नहीं लगने दी हमें। दोनों मियां बीवी कान खोल के सुनो, फिर से उस अनाथ को सपोर्ट किया ना तो तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये अनाथों के देवता, तू जिसकी भी हेल्प लेगा ना, तू बाद में पहले वो मरेगा। तेरी वजह से आज बच्चों की ये हालत है। ये अनाथों के देवता, तू जिसकी भी हेल्प लेगा ना, तू बाद में पहले वो मरेगा। तेरी वजह से आज बच्चों की ये हालत है। भीड़ मत करो, चलो हटो, हम लोग कुछ करते हैं। ऐसा मत कर, खुदकुशी करना हराम है बेटा। बेटा मेरी बात सुन, ऐसा मत कर, मत लगा बंदा, मेरे बेटे को बचा लो। छोटो, ऐसा मत कर बेटा, बेटा माँ की बात सुन। मंडले, छोटो, नहीं छोटो नहीं, मेरा बेटा। शर्म नहीं आती? इसी दिन के लिए माँ ने बड़ा किया था। छोटू, क्यों किया ऐसा? क्यों किया? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो तू खुद की जान लेने चला था? मेरा जी के कोई फायदा नहीं है। माँ का सपना था कि मैं पुलिस में जाऊँ। तेरे पापा पुलिस है, तू भी बड़ा होके पुलिस वाला बनना और देश की सेवा करना। माँ बचपन से यही बोलती थी। जब पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करता? पुलिस वाला बनने के लिए मैंने दिलो जान से मेहनत की। मेरा जी के कोई फायदा नहीं, 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 बोल। बेटा, तू पुलिस नहीं बन सका कोई बात नहीं, लेकिन तेरी जिंदगी मेरे लिए उससे कहीं बढ़कर है। आज के बाद ऐसी बेवकूफी फिर कभी मत करना, तुझे मेरी कसम। नहीं करूंगा मां, हिम्मत मत हारिए, ये जरूर पुलिस ऑफिसर बनेगा। अगली बार अच्छी तैयारी करना। तैयारी करके क्या होगा? आप एक मिनट रुकिए, मेरे चार दोस्त ऑलरेडी सुसाइड कर चुके हैं। एक को मीडिया ने निमोनिया बताया, दूसरे को गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, तीसरे को ट्रक ने उड़ा दिया, चौथे ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। ये सब मीडिया की बनाई हुई मनगढ़ंत रिपोर्ट से। पूरे का पूरा सिस्टम करप्ट है सर। बेटा, पुलिस की नौकरी के लिए इसने दिन रात मेहनत की है, फिर भी पुलिस में भर्ती नहीं हो पाया। मेहनत मजदूरी से पाई पाई जोड़कर इसे पढ़ाया ताकि मैं इसे पुलिस बना सकूं। पर भ्रष्टाचार ने इसके इरादों को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है बेटा। ए, अगर इसी तरह आत्महत्या करते रहे तो करप्शन और बढ़ेगा। माँ ने तुम्हें क्या इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि वो तुम्हारी अर्थी उठाए?
खाकी वर्दी तैयार रख, बहुत जचेगा उसमें। ये क्या हुआ? बेटे की मौत कैसे हुई? प्यार में धोखा खाने से। आपके संस्कार इतने हल्के नहीं है कि वो इस वजह से जान देता। मुझे असली वजह जाननी है। तुम सही कह रहे हो, उसे प्यार में कोई धोखा नहीं मिला, पुलिस की नौकरी नहीं मिलने की वजह से जान दी। मेरा बेटा चैंपियन था। हाँ, पुलिस सिलेक्शन में लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड 3.5 मीटर था, उसने 4 मीटर का रिकॉर्ड बनाया। हाई जंप का रिकॉर्ड 1.2 मीटर था, मेरे बेटे का रिकॉर्ड 1.4 मीटर। 800 मीटर की दौड़ के लिए 170 सेकंड का रिकॉर्ड है, मेरे बेटे का 150 सेकंड। और रिश्वत का रिकॉर्ड 50 लाख रुपए। मेरा बेटा फेल हो गया, पता है क्यों? क्योंकि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ और मैं रिश्वत का पैसा नहीं दे सका, इसीलिए उसने जान दे दी। यहाँ हर सरकारी दफ्तर में लूट और रिश्वत खोरी है, इसीलिए मेरा बेटा रिश्वत खोरों की भेंट चढ़ गया। मार दिया उन लोगों ने उसे। उस दिन तुम्हें देखकर उम्मीद की किरण नजर आई कि तुम ही कुछ कर सकते हो। मैं तुमसे मिलने भी आया, लेकिन जब सीढ़ियां चढ़ने लगा तो मुझे अपने बेटियों की याद आई कि अपने भाई को खोकर ये तीनों पहले से ही दुखी है। अगर मैं होम मिनिस्टर के हाथों मारा गया तो इनका क्या होगा? कौन देखेगा इन्हें? कौन संभालेगा? एक मिनट। कह देना कि शॉर्ट सर्किट में जल गई और जला देना। लो पकड़ो। आ रहा हूं भाई। ये लो, इसमें 50,000 जिंदगियां कैद हैं। अगर दम है तो मेरे बेटे की तरह मरने से बचा लो इन्हें। सिस्टम को करप्शन का वायरस लग गया है। अगले 72 घंटे में हमारे हिंदुस्तान के 50,000 काबिल नौजवान खाकी वर्दी में नजर आएंगे, वो भी बिना किसी रिश्वत के। ये आपके इस बेटे का एक बाप से वादा है। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक तुम्हें अपना लक्ष्य न मिले। स्वामी जी ने दुनिया को यह संदेश दिया, युवाओं को आगे आना होगा, जागरूक होना होगा। मेरा भी यही संदेश है। अपना संदेश अपने पास रख, पहले स्वामी जी के आदर्श पर तू खुद चल। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास तुम लोग करते हो। क्या आप साबित कर सकते हैं कि आप सच बोल रहे हैं? जनता के इस रक्षक ने रिश्वत की सेज पर लेटकर 50,000 जवानों के भविष्य की सूली चढ़ा दी, यह किसी दलाल से कम नहीं है। पहले ये बताओ, तुम अपने होश में तो हो? मरने जो दिखाऊंगा उससे थारे होश उड़ जाएंगे। पुलिस भर्ती में होने वाले फ्रॉड का सबूत। दिमाग के टट्टे जाम हो गए। दिन रात मेहनत करके पुलिस भर्ती के लिए चुने गए जवानों की मेरिट लिस्ट, जिसमें कोई सफाई कर्मी का बेटा है, पानीपुरी वाले का, भाजी वाले का, कोई ड्राइवर का, कोई कंडक्टर का, कोई क्लीनर का, इसमें कोई बड़े बाप की औलाद नहीं है। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। हाँ भैया, इस आदमी ने हमें धोखा दिया है, इसकी वजह से ना जॉब मिली ना मिलेगी। मेरा दिमाग खराब था कि 500 रुपए दे के इस कॉन्फ्रेंस में एक करप्ट आदमी की झूठी बकवास सुनने चला आया। आप साबित कर सकते हैं? धोबी तलाव के सीआई यहाँ मौजूद है। आइला है साहब, ऊपर आने का कष्ट करेंगे। नमस्ते साहब, कैसा है? बोले तो कुछ खाना भी ना खाया के नहीं? आशा से ये पुलिस नहीं चोर लग रहा है। एजुकेशन? बहुत पढ़े लापुन, फटे तक। कौन सी यूनिवर्सिटी से? राजावाड़ी मेडिकल पुलिस यूनिवर्सिटी। कौन से साल में? अबे कौन से साल में किया था, जिस साल मुंबई में पानी भरा था उसी साल। पुलिस का काम क्या होता है? अब गरीबों की ठुकाई करना, गुंडों से हफ्ता लेना। चोर को पकड़ा तो? चोरी का आधा माल लेने का और उसको छोड़ देने का। पुलिस की डिग्री के लिए तूने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा? पुलिस का सब्जेक्ट था,
थर्ड डिग्री। कौन से प्रोफेसर तेरे सर थे? प्रोफेसर बोले तो? नहीं पता, बता। अक्कल बड़ी की भैंस। भैंस ही बड़ी होती है, मेरे गांव में बहुत है। बता पुलिस वर्दी में तारे कितने होते हैं? जितने गर्दिश में होते हैं। पास हो गया तू। ये है झोला छाप सीआई। पुलिस की जॉब के लिए 25 लाख दिया और पोस्टिंग के लिए 25 लाख अलग से। 50 लाख में किसी गरीब का हक छीनकर उसे खुदकुशी करने पर मजबूर किया। ये है अखंड हिंदुस्तान के खंडित नेता। सब कुछ समझ आ गया। मेरा स्टाफ इसका जिम्मेदार है। एक इंक्वायरी बैठाऊंगा, 3 दिन में रिपोर्ट दूंगा आपको। सच को मेरे सामने लाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। जिंदगी में कभी कोई जरूरत पड़े तो याद करना। कमेटी बिठाने का वादा तो कर दिया और उसकी डेडलाइन भी खुद ही डिसाइड कर ली, लेकिन तुम्हारी डेडलाइन मैं डिसाइड करूंगा। पुलिस भर्ती घोटाले से पार्टी की साख मिट्टी में मिल गई। अगर 3 दिन में सही सही जवाब नहीं मिला तो तुम्हें रिजाइन करना होगा, समझ गए? अब जाओ। मुझे सीएम बनना है, जितने एमएलए चाहिए खरीद लो। बात अब ईगो पे आ गई है। 1 महीने के लिए भी बनू तो कम नहीं, जो खर्चा आता है कर डालो। हो जाएगा। हेलो, तूने मुझे 3 दिन का टाइम दिया था ना? अब मैं तुझे 3 दिन का टाइम देता हूँ। सारे एमएलए खरीद चुका हूँ, सीएम बनने वाला हूँ। माला तैयार रखना। गौतमी भैया, अनवर, इसी ने मेरे पिताजी को मारा। ये पाताल में हो तो भी ढूंढ लूंगा। तुम इसे जरूर ढूंढ लेते अगर ये इस दुनिया में मौजूद होता। ये मर चुका है? हाँ, मारा गया। जिस दिन शहर में ब्लास्ट हुआ उस दिन शहर से फरार होते वक्त पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। वो जिंदा ना बच पाए ये होम मिनिस्टर का ऑर्डर था और इसीलिए मीडिया तक ये बात नहीं पहुंची। उसके बाद ही मुझे होम मिनिस्टर की असलियत पता चली। मतलब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? नो, हिम्मत मत हारो रवि। हम तुम्हारी बहन को सीएम के पास, गवर्नर और मीडिया के सामने ले जाएंगे। उसके बाद इंक्वायरी बैठेगी। अगर हमने ये कर दिया तो वो सीएम कभी नहीं बन पाएगा। सर, हमारे पास यह आखिरी मौका है। जी सर। रिपोर्टर गौतमी को होश आ गया है। उसका भाई कहाँ है? आईपीएस ऑफिसर के पास। वो दोनों सीएम के पास जाने की सोच रहे हैं भैया। सीएम तक पहुंचने से पहले उन्हें शमशान पहुंचा दो। ये ऑर्डर नहीं, मेरा ईगो है। ओह नो, अगर देश में ऐसे कई लोग और पैदा हो गए तो हमारा देश अनाथ होने से बच जाएगा। पापा तेजा के पास मत जाओ। हम जाएंगे,
हैं? हम लोग तो अकेले हो गए, वो सगा हो गया। और क्या, वो मेरा बेटा है। सगे होकर भी तुमने हमें ठोकरे खाने को छोड़ दिया था। उसने हम दोनों को सगे बेटे जैसा प्यार दिया। क्या यही दिन देखने के लिए हमने तुम्हें पाला था? वही हमारा बेटा है। और हाँ, एक बात याद रखना, वक्त बदलते देर नहीं लगती है। जिस दिन हमारी उम्र के होगे ना, तुम्हारी औलादें भी तुम्हारे साथ यही करेंगी, तब तुम्हें हमारे दर्द का एहसास होगा। चलिए जी। शगुन दो। तुम मेरे घर की बहू बनोगी और ये तुम्हारा दूल्हा। अपने बॉयफ्रेंड को भूल जाओ वरना डोली के साथ अर्थी भी उठेगी। डॉक्टर देखिए ना, होश आ गए। ए मैन, बाहर बहुत सारे लोग तेरा वेट कर रहे हैं। ये लो, ये आम तुम्हारे लिए। हाँ, था लेना। माँ को दो। बाबूजी ये ले माँ। रवि, बचपन से तुम कहते थे कि तुम दुनिया के और दुनिया तुम्हारी। कभी उस बात का मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन आज समझ गया कि नेक काम करते करते तुमने दुनिया को अपना लिया। यही असली लाइफ है। You are simply great. रवि, तेरी आदतों से हम लोग परेशान रहते थे। हम समझते थे कि तू अनजान लोगों पे अपना वक्त बर्बाद करता रहता है, लेकिन तू सही था, इसीलिए आज इतने सारे लोग तेरे लिए खड़े हैं। कभी सोचा नहीं था कि अनाथों का इतना बड़ा परिवार हो सकता है। माफ कर दे। ए दांडेकर, चल। महान है तू। अब तक तो हम लोग तेरे साथ जी रहे थे, लेकिन अब हम तेरी तरह जिएंगे मैन। ये मार ले। अगले 4 घंटे में आदित्य स्टेट का सीएम बन जाएगा, उसके बाद हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फान उठाने से पहले ही हम उसे कुचल देंगे। आनंद भूपति अनाथों के लिए किसी देवता से कम नहीं थे। उनकी मौत को आपके सामने हादसा बनाकर दिखाया गया है, सच्चाई कुछ और है। बिना डरे बताओ। मेरा नाम गौतमी है, मैं एक न्यूज चैनल में जर्नलिस्ट हूँ। मैं नई सरकार की ओथ सेरेमनी कवर कर रही थी और तभी समारोह के दौरान एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। हेलो, फोन दे उसे। मैं न्यूज के फुटेज चेक कर रही थी और तभी अचानक मुझे उसमें कुछ। अबे, तेरी बहन की स्पीच नहीं रुकी। उस फुटेज को देखने के बाद मैं सांसें रुक जाएंगी। सुना है पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता। इतना जालिम नहीं हूँ, एक मौका जरूर दूंगा तुझे। अपनी बहन को लेकर फौरन आ जा। चलो। क्या हुआ रवि? जाना होगा सर, वरना मालविका की शादी हो जाएगी। अगर गए तो गौतमी को मार देगा। दोनों में से किसी को कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। सॉरी फ्रेंड्स। ए, प्रेस मीटिंग हो गई? एक काम करो, तुम फार्म हाउस पहुंचो, सारे एमएलए को डबल पैसे देकर खरीद लो। ठीक है।
मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गरुणध्वजम, ओम मंगलाय पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनुहरि। आगे हाथ रखिए। ओम शांति शांति शांति। उसे अंदर काय को आने दिया सर? बहुत चालाक है, मीडिया को साथ लेकर आया। समझा, अभी कुछ नहीं कर सकते। एक बार तेरी बेटी की डोली उठ जाए फिर उसकी अर्थी उठाएंगे। यस सर। हेलो, बॉस को फोन दीजिए। ओके, होम सेक्रेटरी का फोन आया, कुछ अर्जेंट बात करने का है। जल्दी बोल। सर, रवि का दोस्त फार्म हाउस पहुंच गया और हमारे एमएलएस खरीद रहा है सर। जल्दी कुछ कीजिए वरना आप सीएम नहीं बन पाएंगे। वो 20 देंगे तो हम 30 देंगे। लौटे सेले, जापान भी फेले, एक एक एमएलए का 30 करोड़। से जो पैसे लूटे थे उसी से वो एमएलए खरीद रहा है और वो सारे बिकने के लिए तैयार है सर। रोकड़ा दूंगा रोकड़ा। बोलो कौन कौन बिकेगा? आज रोकड़ा कल उधार। जल्दी यहाँ आइए सर, वरना बाजी हाथ से निकल जाएगी। वही रुको, मैं आ रहा हूँ। ये हमारा गेम पलट देगा। सारे एमएलए खरीदने वाला है। मेरे लिए ईगो से बढ़कर कुछ नहीं। ये यहाँ से हिले तो इन दोनों को मार देना। मैं वहां जाके देखता हूँ। ठीक आज। जल्दी से फार्म हाउस चल। आओ काका, आओ आओ, थैला भर के दूंगा। आओ। ए, इधर कहाँ जा रहा है? शॉर्टकट है सर। जब हम एमएलएस को खरीदना शुरू करेंगे तो होम मिनिस्टर उन्हें रोकने आएगा। आप सिर्फ उनका रास्ता बदल देना और हम उनकी गाड़ियों में अपने ड्राइवर्स बिठा देंगे। गुड आइडिया। ओके, नेताओं ने देश को खोखला किया है। तूने मेरा ही गोहट किया है, मेरे साम्राज्य की बुनियाद हिला दी है। मुझे पावर चाहिए। पावर लोगों को लूटने से नहीं, उनकी भलाई करने से मिलती है। और कितना पैसा चाहिए तुझे? अनलिमिटेड, अंबानी से भी ज्यादा। पैसों पर सोना चाहता हूँ। इस देश का सबसे अमीर आदमी बनना है। अब खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जाएगा। गरीब जनता की सेवा कर, उनका प्यार ही असली प्रॉपर्टी है। मैं पैसे से सब खरीद सकता हूँ। पच्चीस हजार की गन और 25 रुपए की गोली जब घुसेगी तो तेरी प्रॉपर्टी कुछ काम नहीं आएगी। कहाँ है तू? भैया मैं आपके बहुत पास हूँ, अपने राइट में देखो ना। ए, नीचे आ जा। हाँ हाँ, फोन रखो, आता हूँ। भाड़े के कितने मजदूर लाया बे? 50 में एक कम है, पर तुझे दुनिया से कम करके जाएंगे। तेरे अंदर विलन वाली आग देखकर मेरे को बहुत डर लग रहा है।
एक तोड़ू फोड़ू ऑफर दूं? क्या ऑफर है, क्या ऑफर है, जल्दी बता बता। 2 करोड़ की कड़क नोट देता हूँ, सबको लेकर केदारनाथ चला जा। मुझे दूध पीता बच्चा समझा है? नाटक चल रहा है यहाँ पे? उल्लू का पट्टा, तू जानता मैं कौन हूँ? विलन का छोटा भाई हूँ मैं। तुझे क्या लगता है 2 करोड़ के लिए अपने भाई को मरने छोड़ दूंगा? मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए। कितने का मुंह फाड़ा? पूरे 100 करोड़। ए, दारू पी क्या है क्या? ये सब आप ही से तो सीखा है भैया। मिनिस्टर भी आप बनो, बैंकॉक जाके अय्याशी भी आप करो, पैसा भी आप ही कमाओ। मैं क्या ओनली झक मारने के लिए हूँ? दाढ़ी तेरे पे सूट करती रे, ऐसे च रखना। मेरे पैसे पहुंचा देना। चलो बच्चों। उसने ऐसा क्यों किया? तेरा भाई है, पीठ पे खंजर भोंका। तूने भी तो यही किया, पैसों के लिए भाई का सौदा किया। तूने भी तो पैसों के लिए बाप को मारा, ऐसा तूने क्यों किया? तो फिर मैं और क्या करता? दिल में गुस्सा भरा था, बस यही डर लगता था कि बिना पैसों के एक दिन भूखा मर जाऊंगा। तब विक्रम बहुत छोटा था, लोगों की जूठन खाकर किसी तरह हम अपना पेट भरते थे। नफरत हो गई थी इस समाज से। तू भी अनाथ, मैं भी अनाथ, हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं। आज हम उसी समाज के बीच खड़े हैं। तूने पैसों से खरीदना चाहा और मैंने लोगों को प्यार से जीत लिया। ये देख, मेरा इन्वेस्टमेंट दिन रात मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तेरे पास कौन है? लोगों को प्यार से जीतना सीख, बंदूक की नोक पर नहीं, बाप की कमाई नहीं टिकती। आज तेरा बैंक बैलेंस क्या है? 0। अंडा, आज तो फिर कंगाल हो गया बापू। अनलिमिटेड पाप किए तूने। तेरे पापों की बाल्टी लबालब भर चुकी है। अगर सबने मिलकर एक एक लाफा भी मारा ना तुझे, तो यमराज से मिलेगा तू। अब बोल, डायरेक्ट जाएगा कि वाया वाया, टिकट कैंसिल नहीं होगा? तुम्हारे भाषण के झांसे में आकर लोगों को लगता है कि उनकी तकलीफें कम होगी, लेकिन वोट लेकर तुम उन्हीं को चोट पहुंचाते हो। भैया, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, ये सब तुम्हारे हो जाएंगे। बस कोर्ट के सामने अपने गुनाह कबूल कर लो, गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता। आदित्य भूपति इस बात का इकबाल करता है कि उसने आनंद भूपति का खून किया है। ये अदालत आदित्य भूपति को 7 साल कैद बा मुशक्कत सुनाती है और ये हुक्म देती है कि आनंद भूपति की सारी जायदाद आनंद ग्राम अनाथालय और वृद्धाश्रम को दे दी जाए। आओ,